opportunity, right? To give you a very important session, which is very useful for all of your career, right? मैं यहाँ पे जो यहाँ पे पहले आपको कब तक बताता हूँ इस प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या है, ये पूरी सो पर्पस क्या है इस पूरी प्रेजेंटेशन का. लेकिन पूरी प्रेजेंटेशन का बड़ा सिंपल सा पर्पस है कि जैसे भी आप लोग बीटेक कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल में और सिविल ब्रांच में, तो अब बीटेक जब आपका कंप्लीट हो जाएगा सिविल का, या बीटेक जब आपका इलेक्ट्रिकल का कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग के पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज में भी कुछ आप लोगों को पता भी होगी, जैसे आप सिविल ब्रांच है तो मैं आपको कहूंगी आप लोगों को पूछूं कि भाई आप लोगों ने बीटेक सिविल ब्रांच क्यों चूज किया, तो आप लोग ये बोलोगे सर मेरे को लगता है 80-90% लोग यही बोलेंगे सर मेरे को अपनी स्टेट में या मेरे को जूनियर इंजीनियर लगना है या असिस्टेंट इंजीनियर लगना है. सेम इज एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रिकल ऑल्सो कि भाई क्यों इलेक्ट्रिकल ब्रांच चूज किया, सर जूनियर इंजीनियर लगना है या अपनी स्टेट में जॉब करनी है, अपने स्टेट में काम करना है. दैट इज वन ऑफ द ऑप्शन जो शायद ये ऑप्शन क्यों है तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि ये वो ऑप्शन आप लोगों के दिमाग में इसलिए है क्योंकि मे बी आपके आपके पेरेंट्स या आपके नोन जो इस प्रोफाइल पे हैं, जो जूनियर इंजीनियर हैं या जो एई हैं, वो आप लोगों ने उनका काम देखा है, उनका स्टेटस देखा है, तो आप लोगों को उस चीज के बारे में पता है. बट देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शन ऑल्सो तो वो हम सारी की सारी ऑप्शन जो आप लोगों के पास अवेलेबल है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. और स्पेशली हम लोग एक जो वर्ड है करियर वर्ड उसके ऊपर लेके बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम लोग ना बहुत ज्यादा मतलब हम लोग अभी तक जो आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, मे भी बहुत सारी चीजें आप लोगों ने रैट रेस के कारण किया है कि सिविल ब्रांच क्यों चूज किया, वो मेरे साथ वाले सिविल ब्रांच कर रहे हैं, चलो सिविल ब्रांच करने स्टार्ट कर देते हैं. किसी ने बोला कि सिविल ब्रांच में करने का ये फायदा होगा इसलिए मैंने सिविल ब्रांच चूज कर लिया, ये इलेक्ट्रिकल का ये फायदा नुकसान है इसलिए मैंने, मेरे साथ के फ्रेंड्स ये कर रहे हैं कि उसके बाद का ये अपॉर्चुनिटी. मतलब अभी तक जो आप लोग यहाँ पे अपनी लाइफ के इस स्टेज तक पहुंचे हो वो मे बी वो उसके पीछे मेन रीजन आपका रैट रेस है. लेकिन करियर वर्ड का मतलब कुछ और होता है. देखो जॉब एक चीज होती है, करियर एक चीज होता है. तो आज हमें इस मतलब इस वर्ड का मतलब जानना है कि करियर वर्ड क्या चीज होती है, राइट? और एक चीज और ध्यान से सुनना, मेरी प्रेजेंटेशन आधे घंटे का होगा, इसको बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है. अदरवाइज होता क्या है कि जब बीटेक आपका कंप्लीट होता है तो 2-4 साल के बाद हमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता लगता है और हमें आप लोगों को ये स्टेटमेंट आपके मुंह से निकलती है, ओ यार मेरे को तो किसी ने बताया नहीं, मेरे को तो इस चीज के बारे में पता नहीं था. आप लोग शायद इस चीज को फील भी ना कर पाओ, जब आपको उस स्टेज पे पहुंचोगे तब आप में भी इस चीज को फील कर पाओगे कि अच्छा यार ये भी ऑप्शन होता, ये भी था, इसमें तो मेरा स्ट्रेंथ है, यही तो मैं करना चाहता था एक्चुअल में, लेकिन मेरे को किसी ने इस चीज के बारे में बताया नहीं. तो अब मैं वो सारी चीजें तुम्हें बताने आया हूं. देखो करना ना करना एक अलग मैटर है, लेकिन एटलीस्ट हमें बीइंग द बीटेक इन सिविल, बीइंग द बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उसके बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. और उस अपॉर्चुनिटी को कैसे पकड़ना है, उसके लिए क्या रास्ता हमें चूज करना है, कैसे उस चीज को लेकर प्रिपेयर करना है, वो सारी चीजें को हम डिस्कशन करेंगे. आई थिंक आप सभी को पर्पस पता लग गया कि इस प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या है, रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर ऑल करियर ऑप्शंस आफ्टर यू ग्रेजुएट इन द बीटेक विद योर रिस्पेक्टिव ब्रांच, राइट? अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यार ये बताओ थोड़ा ब्रॉडर वे में कि जब आप बीटेक कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद वैसे नॉर्मली आप लोगों के पास ऑप्शन होता क्या क्या है, क्या क्या ऑप्शन होता है आप लोगों के पास? सबसे पहला ऑप्शन बोलो जॉब का ऑप्शन होता है, ब्रॉडर वे में जॉब का ऑप्शन होता है कि नहीं होता? हाँ ना, तो बोलो लंच कर लिए, डाइजेस्ट कर लें, तो एनर्जी के साथ बोलना आपने, ठीक है, तब जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा. अब आप लोगों ने पहला ऑप्शन आप लोगों ने बोला जॉब का ऑप्शन होता है. अब जॉब को कैटेगराइज करो, किस टाइप की जॉब होती है, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब और नहीं, वो जॉब कुछ और चीज है, उसको तीसरी कैटेगरी में डालेंगे. जॉब में पहला प्राइवेट जॉब, दूसरा गवर्नमेंट जॉब, तीसरा पब्लिक सेक्टर. अब आप लोगों के दिमाग में होगा सर पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब तो होती है, करेंगे उसके बारे में डिस्कस, राइट? तो जॉब तीन टाइप का जॉब आप लोगों के पास है, पहला कौन सा प्राइवेट, दूसरा कौन सा गवर्नमेंट का, तीसरा कौन सा आ गया आप लोगों के पास पब्लिक सेक्टर का. दूसरा कैटेगरी क्या है, क्या और ऑप्शन होता है तुम्हारे पास बीटेक करने के बाद? हायर स्टडीज, फर्दर स्टडीज के लिए आप जा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन होते हैं तुम्हारे पास हायर स्टडीज में, क्या क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास, इसको कैटेगराइज कर दो, डिवाइड कर दो, टेक्निकल डोमेन में जा सकते हो या मैनेजमेंट डोमेन में जा सकते हो, हायर ना? मैनेजमेंट में क्या ऑप्शन तुम्हारे पास, एमबीए का ऑप्शन होता है, टेक्निकल में क्या ऑप्शन होता है तुम्हारे पास, एमटेक का ऑप्शन होता है, और
एमएस का ऑप्शन होता है, हायर स्टडीज में एक एमटेक होता है, एमएस भी होता है, कुछ पता है इसके बारे में? नहीं पता, करेंगे डिस्कस। यू कैन ऑल्सो डू द डायरेक्ट पीएचडी आफ्टर बीटेक, पता है इसके बारे में? नहीं पता इसके बारे में। तो हायर स्टडीज में तुम्हारे पास टेक्निकल डोमेन में तीन ऑप्शन है, एक है एमटेक प्रोग्राम, एक है एमएस प्रोग्राम, एक है तुम्हारे पास डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है। और दूसरा कैटेगरी आ गया आपका मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट तुम लोग एमबीए पीजीडीएम वगैरह ये प्रोग्राम आप कर सकते हैं फ्रॉम वेरी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स, राइट। उसके बाद ये जितना भी मैंने आपको हायर स्टडीज का ऑप्शन बताया, अगर इसको और हम क्लासिफाई करें, इसको और ब्रॉडर वे में लेके जाएं, ये सारी ऑप्शन इंडिया में कर सकते हैं, ये सारी ऑप्शन अब्रॉड में भी अवेलेबल है, हाँ है ना, ठीक है। इंडियन ऑप्शन हो गया, अब्रॉड में भी ऑप्शन हो गया। नाउ कम टू द थर्ड कैटेगरी, जो किसी ने बोला था वो है अपना बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो तीन आप लोगों के पास ऑप्शन होती है जब आप बीटेक कंप्लीट करते हैं, एक जॉब का ऑप्शन होता है, एक हायर स्टडीज का ऑप्शन होता है, और तीसरा आपको अपना जो अपना एंटरप्रेन्योरशिप अपना बिजनेस, दैट बिजनेस में भी आपका पेरेंटल बिजनेस हो सकता है, आपके पेरेंट्स का बिजनेस हो सकता है, उसमें आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या आप अपना कोई सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं जिसके रिलेटेड आपके पास कोई आइडिया है, या जिसमें आपने सोचा है कि ये मेरे को करना है यार बीटेक के बाद, या देयर मे बी चांस कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग उस पर्पस से स्टार्ट किया था, राइट। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अभी जितना भी मैंने सारी की सारी ऑप्शंस बताई है, अब ये सारी की सारी अगर मैं बोलूं, ये सारी की सारी ऑप्शंस हमें अगर करनी है, प्राइवेट की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट में ऐसा नहीं कि मेरे को 5-10,000-20,000 नौकरी की बात कर रहा हूं, नहीं, हमें चाहिए 8-10,15-20,00,000 का पैकेज प्राइवेट की वो बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर इन जॉब्स की बात कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके पास बहुत ऑप्शन है, सिविल के लिए आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल के लिए पीजीसी है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपके पास है, आईओसीएल है, एचपीसीएल है, सेल गेल आईएसआरओ बीआरसी डीएमआरसी, बहुत नंबर पब्लिक सेक्टर है जहां पे आप जा सकते हैं, ये सारी अच्छी ऑप्शंस है। मैं आप लोगों से जो चीजें डिस्कस कर रहा हूँ वो चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ जो बहुत अच्छी ऑप्शंस है। नाउ कम टू द हायर स्टडीज, हायर स्टडीज में हमने बात किया एमटेक का, एमएस का, डायरेक्ट पीएचडी का, अब यहाँ पे भी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ये हायर स्टडीज करने का फ्रॉम द इंडिया टॉप रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट, कौन से, फॉर एग्जाम्पल कहां से एमटेक एमएस डायरेक्ट पीएचडी की बात है, जहां पे करने का फायदा होगा, कौन से इंस्टीट्यूट है वो, आईआईटीज है और एनआईटीज है और ट्रिपल आईटीज भी है और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल बिट्स इज देयर, वीआईटी देयर, बहुत यूनिवर्सिटी ऐसी प्राइवेट में जो बहुत अच्छा कर रही है, जहां से जाके तुम्हें करियर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है नहीं। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप की हमने बात की, तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी कंपटीशन तो यार आएगा ही आएगा कि जो आप काम कर रहे हो ऐसे करने वाले बहुत लोग वही है बिजनेस में, वहां पर भी आपको कंपीट करना ही पड़ेगा। तो अब हम लोगों ने जो जॉब की बात की, एजेई की जॉब चाहिए, कैसे होगा, एग्जाम निकालना पड़ेगा, इंटरव्यू होगा, पब्लिक सेक्टर के लिए एग्जाम निकालना पड़ेगा, इंटरव्यू होगा, हायर स्टडीज के लिए जाना है, आईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है, एग्जाम निकालना पड़ेगा, इंटरव्यू होगा, हायर ना। तो मेरे कहने का मतलब है, और ये सारी की सारी बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, आपको पता है कि अगर मैं मास्टर्स या आईटी में पहुंच गया उसके बाद का मेरा करियर बहुत अच्छा है, अगर मेरे को पब्लिक सेक्टर में मेरा सिलेक्शन हो गया उसके बाद का करियर मेरे को बहुत अच्छा है, अगर मैं एक बार जेई लग गया उसके बाद की मेरी लाइफ पूरी सेटल्ड है, इतना ये तो चीज पता है ना। अब मैं ये बात कर रहा हूं कि ये जितना भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर आपको ये सारी अच्छी चीजें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कंपीट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कंपीट देना पड़ेगा, एग्जाम नहीं देना पड़ेगा कोई। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर सपोज आपको आईएम से एमबीए करना है तो क्या करना पड़ेगा, आईएम से एमबीए करना है तो क्या करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा कोई, कौन सा एग्जाम है, कैट का एग्जाम है, पता है किसी को, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कैट का एग्जाम भी शायद पहली बार सुना किसी ने, तो कैट का एग्जाम देना पड़ेगा, यस। मतलब कहने का ये है कि अगर मेरे को अच्छी चीज चाहिए तो उसके लिए मेरे को कंपीट करना पड़ेगा। अब ये जितना भी हमने ऑप्शंस डिस्कस किया, अभी प्राइवेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एमटेक एमएस डायरेक्ट पीएचडी एंटरप्रेन्योरशिप, कैट का एग्जाम दिया, एक ही ऑप्शन निकल के आएगा, मैं सिर्फ आईएम एमबीए कर सकता हूं आईएम से। लेकिन ये जितना भी मैंने करियर ऑप्शंस बताया, अब मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि जितना भी करियर ऑप्शंस हैं, इन सारी करियर ऑप्शंस को ओपन करने के लिए एक सिंगल एग्जाम है, ओनली वन सिंगल एग्जाम आपको देना पड़ेगा, एंड दैट एग्जाम इज नोन एज द गेट एग्जाम। जितना भी मैंने अपने ऑप्शन डिस्कस किया सभी के लिए एक ही सिंगल एग्जाम देना पड़ेगा, एंड दैट इज द गेट एग्जाम।
दैट इज अ रीजन व्हाई आई दिस कॉल दिस एग्जाम एज अ ब्यूटीफुल एग्जाम, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें एक एग्जाम देने से करियर की सारी ऑप्शन ओपन हो रहे हैं। आप मेरे को बता दो कोई ऐसा एग्जाम कि एक एग्जाम दिया उसके थ्रू सारी ऑप्शन ओपन हो रहे है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, लेकिन गेट इज द एग्जाम, राइट। अब जब भी हम गेट वर्ड सुनते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गेट वर्ड पहली बार सुना कि गेट एग्जाम कोई होता है, सुना हुआ सभी ने। अब जब भी गेट एग्जाम का नाम सुनते हो तो क्या आता है दिमाग में, बहुत टफ है ना जी अगर कि बहुत टफ एग्जाम है, ऐसा नहीं है। टफ पता है किसके लिए, टफ उसके लिए जो इस एग्जाम को समझना नहीं है, या कोई भी चीज किसी चीज के लिए कोई भी चीज टफ तब बन जाती है जब हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। तो किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस चीज की रिक्वायरमेंट क्या है, उस चीज की रिक्वायरमेंट क्या है, गेट एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, जेईई एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, कैट एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें पहले उसकी रिक्वायरमेंट समझनी है। अब मैं आपको दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलूंगा, मैं गेट एग्जाम क्योंकि मैंने बताया कि जितना भी करियर ऑप्शन मैंने आपको बताया ये सारा का सारा एक सिंगल एग्जाम के थ्रू निकल के आ रहा है, तो साथ के साथ हम गेट के बारे में भी डिस्कस करते रहेंगे और साथ के साथ मैं उसको आपको करियर के साथ रिलेट करता चला जाऊंगा कि इसका करियर के साथ कैसे रिलेशन है, बात आ गई समझ में। अब गेट एग्जाम पहला कॉल सुना, गेट एग्जाम तो टफ एग्जाम, आप लोगों से थर्ड ईयर में है ना, यहां पर भी एग्जाम दिया था इस पर गेट का, किसी ने भरा था, किसी ने पहला क्वेश्चन मेरा ये होना चाहिए भरा था किसी ने, अच्छा उससे पहले क्वेश्चन मेरा ये होना चाहिए, ये पता था कि तुम लोग थर्ड ईयर में लिख सकते हो, हाँ लेकिन भरा नहीं है, क्यों नहीं भरा, अगेन एक ही थॉट है दिमाग में, टफ है धीरे से नहीं होगा या मेहनत करनी पड़ेगी, टफ है ठीक है आसान करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से हम लोग घबरा जाते हैं कभी कभी, मेहनत से हम लोग घबरा जाते हैं। देखो अगर जिंदगी में अच्छी चीज चाहते हो तो मेहनत से तो यार कभी नहीं घबराना, और फिर अगर मेहनत नहीं करना चाहते फिर जो मिलेगा तुम्हें उससे फिर रिग्रेट मत करना, रोना मत कि नौकरियां नहीं निकल रही है, जॉब नहीं हो रही है, मेरे से एग्जाम नहीं निकल रहे, मेरे को तो प्राइवेट में 10-15-20 हजार की नौकरी करनी पड़ रही है, तो यही करना पड़ेगा अगर मेहनत नहीं करोगे तो, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम है वो मेहनत से ही निकलेगा, कोई भी एग्जाम लगा। लेकिन आज की सिचुएशन क्या है, पहले मैं आपको गेट के बारे में बताता हूँ, फिर आज की सिचुएशन जो आज के फैक्ट्स है, जो रियलिटीज है, जिसका तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट तुम उठा सकते हो। देखो गेट एग्जाम एक कंसेप्चुअल एग्जाम है, कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम है, गेट का एग्जाम रट्टा मारने वाला एग्जाम नहीं है, थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है, गेट का एग्जाम समझने वाला एग्जाम है। गेट का एग्जाम का फुल फॉर्म क्या है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ये एप्टीट्यूड चेक करता है तुम्हारा इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कि तुम्हारे भाई कंसेप्ट, तुम्हारे फंडामेंटल, तुम्हारी ब्रांच को लेकर तुम्हारे क्लियर है या नहीं है, ये उस चीज का प्रूफ है गेट एग्जाम। तो गेट पहला चीज दिमाग में लगाओ कि गेट इज नॉट ए डिफिकल्ट एग्जाम अगर तुम चीजों को समझ के करते हो, अगर तुम चीजों को अंडरस्टैंड करके करते हो। अगर देखो एक भी बात आगे रिक्वायरमेंट, कॉलेज का एग्जाम दे रहे हो रिक्वायरमेंट अलग है, गेट का एग्जाम दे रहे हो रिक्वायरमेंट अलग है, हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो गेट की जो रिक्वायरमेंट है वो समझने वाली है, चीजों को समझ के चल रहे हैं, कंसेप्ट बना के चल रहे हैं, फिर कोई एग्जाम डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। दूसरा चीज मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर तुमने टारगेट लिया सर मेरे को गेट के थ्रू पब्लिक सेक्टर जाना है तो मेरे को 70+ नंबर लेके आने पड़ेंगे, 80+ नंबर लेके आने पड़ेंगे, यही है ना दिमाग में, ऐसा नहीं है। मेरे को सर अगर आईआईटी से एमटेक करना है तो मेरे को कम से कम 60+ नंबर लेके आने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। आज की सिचुएशन में ऐसा नहीं है, पीछे चले जाओ 3-4 साल 4-5 साल, उस टाइम पे यही सिचुएशन थी जो मैं अभी बोल के आता हूं, जो अभी भी तुम तक ये फैक्ट नहीं पहुंची है कि यार अब वो सिचुएशन नहीं है, अब 70-80 नंबर लाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन 2016-17 में एग्जाम गेट एग्जाम में पीक हिट किया था जब तकरीबन 12.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था गेट एग्जाम के लिए, और जो परसेंटेज जो बच्चा क्लियर करता है गेट एग्जाम वो कितना क्या है आइडिया किसी को, जो क्वालिफाई करता है गेट एग्जाम, अंदाजा बताओ, 15-18% के आसपास है जो बच्चा गेट क्वालिफाई करता है। 11.5 लाख बच्चे अपीयर हुए थे और उसमें से 15-18% कितना परसेंटेज निकल जाएगा, तकरीबन 1.5-2 लाख के आसपास इतना बच्चा क्वालिफाई हुआ 2016-17 के आसपास। आज का सिचुएशन क्या है, 2023 का डाटा दे रहा हूं, 24 का तो बाहर नहीं आया,
23 का डाटा ये है, 5.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया, 4.5 लाख बच्चे अपीयर हुए, 15-16% 15-18% इसका कितना का होगा, कितना होगा 7-17 हजार, कितने का होगा ना। तो जो आगे का अप्लाई करेगा वो पहले था 2 लाख, अब कितने 7-17 हजार। और ये जो 7-17 हजार बच्चे है इसमें बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो दो पेपर दे रहे हैं, पता है आपको दो पेपर दे सकते हो आप लोग, हाँ ना तो बोलो, दो पेपर देने वाले बहुत बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो थर्ड ईयर में दे रहे हैं। तो 1 लाख बच्चा यहां से टोटली निकाल दो, तो 7-17 में से 15 हजार बच्चा ऐसा निकाल दो जो एलिजिबल ही नहीं है पब्लिक सेक्टर या आईटी में अप्लाई करने के लिए, या तो वो थर्ड ईयर का या वो एक गेट स्कोर यूज करेगा। तो पीछे इफेक्टिव जो बच्चा बचा वो 50-60 हजार के आसपास बचा है। नो, अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। 2016-17 के आसपास जब मैंने बोला 2 लाख बच्चा भी था पब्लिक सेक्टर, उस टाइम में भी थे या नहीं थे, आईटी में एमटेक उस टाइम पे हो रही थी, एमएस उस टाइम पे भी हो रहा था। तो जो नंबर ऑफ सीट्स या नंबर ऑफ जॉब्स 2016-17 के कंपैरिजन में आज ज्यादा है या कम होगा या सेम होगा, सोच के तो देना इसका आंसर। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, 2016-17 के कंपैरिजन में आज का 5-6 साल का गैप है, उस टाइम से आज के टाइम पे जो आईटी में एमटेक एमएस डायरेक्ट पीएचडी के जो नंबर ऑफ सीट्स हैं या पब्लिक सेक्टर में जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं वो बड़ी होगी कम हुई होगी या सेम होगी, बड़ी है। क्यों, कोई रीजन दे सकते मेरे को इसका, क्यों बड़ी होगी, क्यों बड़ी होगी? बड़ा सिंपल सा रीजन है यार, आप लोग क्वालिटी लाइफ चाहते हो, चाहते हो क्वालिटी लाइफ, सबको चाहते ना क्वालिटी लाइफ कि सड़कें अच्छी बन जाए, मेरे को बिजली 24 घंटे मिले, मेरे को गाड़ी अच्छी मिले, मेरे को कपड़े पहनने को अच्छी मिले, चाहते हो कि नहीं चाहते हो, चाहते हो कि नहीं चाहते हो। कहने का मतलब ये है कि तो जो नंबर ऑफ सीट्स पब्लिक सेक्टर में या आईटीज में जो कोर्सेज है वो बढ़ रही है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही है, लेकिन कंपटीशन कितना हो गया, बहुत ही ज्यादा कम। बात आ रही नहीं आ रही समझ में? अब और फैक्टर लगाओ, आप लोगों के कॉलेज में किसी टाइम पे 2016-17 के आसपास इलेक्ट्रिकल का कितना इंटेक होता होगा, कितनी स्ट्रेंथ होती थी, 60 के आसपास, आज कितनी है, कम होगी? क्या ये सिचुएशन आपके कॉलेज की है, हर कॉलेज की है? तो जो मार्केट में खास करके कोर ब्रांच का स्टूडेंट है ना, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल, बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर गया है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज इन द पब्लिक सेक्टर इन द आईटी इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, आईटी में सीटें खाली पड़ी है, पब्लिक सेक्टर को कैपेबल बच्चे नहीं मिल रहे हैं, मैं कैपेबिलिटी की बात भी करूंगा इसके बाद, उनको कैपेबल लोग नहीं मिल रहे हैं, भर दोगे इंटरव्यू में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे वो नहीं रखेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने पर लाइबिलिटी थोड़ा ना पालेगी, पालेगी को लाइबिलिटी कोई नहीं पालेगी, तो तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम कहां पे, कैपेबिलिटी में, कि हम लोग उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके नहीं जा रहे। पहले पब्लिक सेक्टर में कॉल आ रहा था 70 नंबर पे, आज 40 नंबर पे कॉल आ रहा है, कॉल तो आ गया, अब आ गया भाई इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट, लेकिन वी आर नॉट रेडी फॉर दैट, हम लोग उसके लिए तैयार नहीं है, नहीं रखेगा। आज का सिचुएशन जो ज्यादा पड़ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो कोर ब्रांच में कम हो ही रहा है, दूसरा कैपेबिलिटी का, सीटें खाली जा रही है, आईटी का हाल देख लो, सीटें खाली जा रही है, और पब्लिक सेक्टर बैकलॉग के साथ निकाल रहा है एडवर्टीजमेंट, खास करके महारत्न पब्लिक सेक्टर्स जिसको हर किसी का ड्रीम होता है ज्वाइन करना, पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सुने इसका नाम कभी, पीजीसीआईएल कोर आपका वो है पब्लिक सेक्टर, महारत्न सबसे ज्यादा पैकेज पब्लिक सेक्टर में पीजीसीआईएल का होता है 17-18 लाख के आसपास, 2023 के जो एडवर्टीजमेंट निकाला नहीं उनका कंप्लीट हुआ रिक्रूटमेंट, दोबारा से एडवर्टीजमेंट निकाला गया 2023 के थ्रू कि और अप्लाई कर दो भाई, किसने पहले नहीं अप्लाई किया था, हमें बच्चे नहीं मिले पूरे, ये सिचुएशन है आज की। तो कहने का मतलब ये है कि गेट एग्जाम का जो स्ट्रेटेजी है आज के टाइम पे वो 70-80 नंबर वाला नहीं है, 40-50-50-60 नंबर वाला है। तो हमें 100 नंबर का तैयार नहीं करना है, हमें 70-80 नंबर का तैयार करना है, और 70-80 नंबर को ढंग से तैयार करो और 40-50 नंबर ले आओ, आराम से तुम्हारा करियर बन जाएगा, आराम से करियर। लेकिन हमें अपने आप को प्रिपेयर तो करना है अकॉर्डिंगली, भाई एचपीसीएल रिक्रूटमेंट कर रहा है, ग्रुप टास्क है, अगला
रिटर्न के बाद ग्रुप टास्क है, ग्रुप टास्क इज एलिमिनेटिंग। अगर तुम अपना नहीं वहां पे परफॉर्म करोगे अच्छा ग्रुप टास्क में, आउट। इंटरव्यू में अच्छा नहीं परफॉर्म करोगे, नहीं अच्छा लगेगा आपको उसका, आपका पर्सनैलिटी उसको नहीं अच्छा लगेगा। पर्सनैलिटी देखने से मतलब नहीं है, पर्सनैलिटी में कम्युनिकेशन, आप कैसे अपीयर हो रहे हो, कैसे रिप्लाई कर रहे हो, वो सारी चीजें मैटर करती है, वो नहीं रखेगा। तो प्रॉब्लम आज के लाइफ में कैपेबिलिटी की, और दिस इज अ फैक्ट। तो गेट एग्जाम पहला चीज डरना नहीं है, स्ट्रेटेजी के साथ चलना है। हमें नहीं है सारा कंटेंट करने का रिक्वायरमेंट, सिविल से छोड़ दो यार, आरसीसी स्टील स्ट्रक्चर छोड़ दो, 10 नंबर का आता है इसमें से, कोई जरूरत ही नहीं करने की। आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच 3 कोर सब्जेक्ट आपके, पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल मशीन आपका दिस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट में से आपका 40-45 नंबर का, तो इन तीनों सब्जेक्ट में से आता है। इसको करो अच्छे तरीके से पक्का, साथ में करो नेटवर्क करो कंट्रोल करो डिजिटल करो इतना तो करो मैथमेटिक्स करो, और नहीं करने का रिक्वायरमेंट, सिग्नल छोड़ दो एनालॉग छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेटेजी के साथ 70-80 नंबर का ढंग का प्रिपेयर करो, 40-50 नंबर लेके आओ, सारी ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब वो सारे ऑप्शन क्या क्या अभी डिस्कस करेंगे। तो गेट एग्जाम से आज के बाद डरना नहीं है, और ये सिचुएशन अगले 4-5 साल रहेगा, क्योंकि अभी वो रिवाइव हो रहा है पीरियड, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में रिसेशन आ गया है। कंप्यूटर साइंस छोड़ छोड़ के, मतलब लोग छोड़ छोड़ के सेकंड ईयर में चेंज करना स्टार्ट कर दिए, कोर में आना स्टार्ट कर दिए, और कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हायर स्टडीज की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि जॉब नहीं मिल रही है उनको, सैचुरेशन आ गया। सैचुरेशन एक चीज है, रिसेशन एक दूसरी चीज है। बात आ गई समय, तो आप लोग बहुत लकी हो, मैं बोल रहा हूं, जो आने वाले 3-4-5 साल में पास आउट होने वाले हैं बहुत इजीली। हम लोग पिछले 15 साल से इस डोमेन में हैं, जितना इजी आज के टाइम पे पब्लिक सेक्टर या आईटी में एंटर करना है ना, आज तक कभी नहीं रहा था। 35-35 नंबर 32-32 नंबर वाला बच्चा आईटी जा रहा है इस टाइम पे, और तुम लोग वहां के डायनेमिक्स तुम्हें पता है, वहां का एनवायरमेंट तुम्हें पता है कि कैसा होता है। जो ड्रीम लिया था कभी कभी प्लस टू के टाइम पे आईटी जाने का, उसको आप फुलफिल कर सकते हो बहुत इजीली कर सकते हो, राइट। गेट एग्जाम क्या है बता दी मैंने आपको, समय में आ गई। अब गेट एग्जाम का थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, गेट का एग्जाम स्टार्ट क्यों हुआ था। गेट का एग्जाम वाज एक्चुअली स्टार्टेड टू प्रमोट द हायर स्टडीज इन द कंट्री। ये तो 2009-10 के आसपास पब्लिक सेक्टर में एड हुए हैं, उससे पहले ये तो सिर्फ हायर स्टडीज के लिए होता था, कि जिसने एमटेक एमएस या पीएचडी के लिए जाना है उसको ही गेट का एग्जाम लिखने का रिक्वायरमेंट है। अब क्यों इतना नंबर लिखता जा रहा है, इसमें पब्लिक सेक्टर आ गई, जॉब आ गई है, बात आ गई नहीं समझ में। अब बोलोगे सर हायर स्टडीज क्या उससे पहले नहीं होती थी, गेट का एग्जाम तो 80s-90s से स्टार्ट हुआ है, उससे पहले लोग एमटेक एमएस नहीं करते थे, बिल्कुल करते थे, लेकिन उससे पहले की मास्टर्स की जो नीड थी वो नीड थी कैंडिडेट थी, जो बच्चा मास्टर्स करवा था, लेकिन उसके बाद नीड आ गई कंट्री की, उसके बाद नीड आई है कंट्री की। अब बोलोगे सर कंट्री की नीड कहां पे आ गई है, भाई अगर हमें कंट्री को डेवलप करना है, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे को बताओ किसका होगा किसी भी कंट्री को डेवलप करने में, किसका होता है, इंजीनियर का, डॉक्टर का होता है, लॉयर का होता है, इंजीनियर का, क्योंकि आपने रिसर्च करनी है, आपने तो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, आप लोग भी तो करना है, इंजीनियर तो करना है सोसाइटी की प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम यही थी उस टाइम पे कि सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैपेबल लोग नहीं थे और अपने डोमेन के एक्सपर्ट लोग नहीं थे। दूसरी कंट्री से टोटली हमें प्रोडक्ट मिल रहे थे लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो रहा था। आप लोगों में से किसी ने रॉकेट बॉय सीरीज देखी है, रॉकेट बॉय सीरीज देखी है, मैं कोई और सीरीज का नाम ना अब से ज्यादा हाथ खड़े हो जाएंगे, ढंग की चीजें नहीं देखनी, सभी देखो रॉकेट बॉय सीरीज, तुम्हें पता लगेगा किस फेज से निकला है कंपनी, किस फेज से निकला, कैसे बीएआरसी कैसे आईएसआरओ ये जो ऑर्गेनाइजेशन कैसे खड़ी हुई है, और ये पॉइंट ये भी नहीं खड़ी हुई है, पॉइंट ये था कि इसकी नीड क्यों पड़ी कंट्री को, इसकी नीड क्यों पड़ी कंट्री को, क्योंकि हम लोग यार इस देश के हैं, हमें कंट्री के बारे में कुछ इस तरीके से सोचना पड़ेगा जिसमें हर किसी का फायदा हो। हम लोग हमेशा फायदा सोचते हैं अपना। आप लोगों से गवर्नमेंट जॉब कौन ज्वाइन करना चाहते हैं, जेईई वगैरह कौन लगना चाहता है,
गवर्नमेंट जॉब लगने का कोई मेरे को रीजन बताओ, क्यों गवर्नमेंट जॉब जाने करना चाहते हो बताइए। सबसे पहला सिक्योरिटी, अपने तक मतलब है तुम्हें कि बस बाहर ना निकाल दे, मेरे को मैं कुछ भी ना करूं, कुछ भी ना करूं मेरे को बाहर नहीं निकाल सकता भाई, ये तो तुम्हारा रीजन है गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने का। और दूसरा रीजन अब नहीं बोलेगा कोई ना, इसमें फिर देखना है। दूसरा रीजन आप लोगों को होता है वर्क लाइफ बैलेंस, है ना, कि 5 दिन नौकरी करेंगे 2 दिन ऐश करेंगे और सुबह 9 से 5 जॉब करेंगे बस बहुत है, उसमें भी कुछ नहीं करना। ये फैक्ट है, रीजन वाली प्रॉब्लम है। तभी तो प्राइवेट सेक्टर इतना ग्रो कर रहा है कि रिलायंस अंबानी अंडानी क्यों ग्रो कर रही है, क्यों गवर्नमेंट सेक्टर क्यों नहीं ग्रो कर रहा है, यही तो रीजन है। क्योंकि हम लोग जॉब क्यों ज्वाइन कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर, इसलिए कर रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी भी निकाल नहीं देगा और पहले ही पता है कि क्या क्या होगा फिलहाल में, ये तो रीजन है हमारे। बात आई क्या आपको समझ में, यही रीजन है, ये फैक्ट है और ये सोच के कभी मत करना। अगर लाइफ में कुछ अच्छा चाहते हो ना, कुछ क्रिएट करना चाहते हो डिफरेंस, देन प्राइवेट इज द बेस्ट ऑप्शन। और मैं आपको भी रियलाइज करूंगा, मैं गवर्नमेंट ठीक है वो ठीक है सब कुछ करना चाहिए, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन ये पर्पस नहीं होने चाहिए ज्वाइन करने के लिए। ये होना चाहिए सर आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, कैसे उसको बताओ मैं इस रीजन से कंट्रीब्यूट करूंगा। दैट इज द रीजन व्हाई जितना भी क्लास वन ऑफिसर का जॉब होता है उसमें इंटरव्यू होती है, उसमें इंटरव्यू होती है, यही तो चेक करता हूं कि क्यों गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करनी है। और जिस जो ये आंसर करता है कभी नहीं सिलेक्ट होता है, बात आ गई समझ। तो नीड था कंट्री को रिसर्च का, क्योंकि हमें चीजों को यहीं पे बनाना है, डेवलप करना है, पहले अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, फिर हमें उसको एक्सपोर्ट करना है, बेचना है, तभी जीडीपी बढ़ेगा। ऐसे ही बढ़ता है जीडीपी, कैसे बढ़ता है, जितना तुम बेचोगे ज्यादा उतना तुम प्रॉफिट में रहोगे, बड़ा सिंपल। अब जब तुम बना तो रहे नहीं, अपने यहां के लोगों की नीड तो पूरी हो नहीं रही, 24 घंटे बिजली नहीं आ रही, तो बिजली बेचोगे कैसे, बात सिंपल सी है, बस यही है। तो ये नीड थी कंट्री की, तो इसी कारण से वो गेट एग्जाम स्टार्ट हुआ कि कैपेबल लोग लाओ जो सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, रिसर्च करें। रिसर्च कहां पे होती है, इंडस्ट्री में ज्यादा होती है कि कॉलेज में ज्यादा होती है, आईटी में। रिसर्च के लिए हब कौन से हैं, रिसर्च के मेन हब कौन है, इंडस्ट्रीज है कि आईटीज है, आईटीज है। किसी भी डोमेन का स्ट्रक्चर का एक्सपर्ट कहां मिलेगा आपको, एलएनटी में मिलेगा कि आईटी में मिलेगा, आईटी में मिलेगा। कभी एलएनटी को प्रॉब्लम आएगी, कोई नया डिजाइन करवाना होगा कुछ भी किसी तरीके का, तो कहां जाएगा वो, अपने आईटी प्रोफेसर के पास जाएगा, ढूंढेगा किस डोमेन का एक्सपर्ट कौन है, फिर उसको पैसा देगा, उसको पैसा देगा, प्रोफेसर खुद तो नहीं कर सकता, प्रोफेसर खुद कर लेगा, उसके पास तो पता नहीं ऐसे कितने प्रोजेक्ट है, लेकिन वो गाइड कर सकता है, वो क्या कर सकता है, गाइड कर सकता है। गाइड किसको कर सकते हैं, जिसकी नीड है, आप लोग जिसको मास्टर चाहिए, जिसको पीएचडी चाहिए, तो हर किसी का फायदा हो रहा है इसके अंदर, हो रहा है कि हर किसी का फायदा, उस इंडस्ट्री का फायदा हो रहा है जिसके पास प्रॉब्लम है, यस हो रहा है, बच्चे का फायदा हो रहा है, यस हो रहा है, उस प्रोफेसर का फायदा हो रहा है, यस हो रहा है, उस आईटी का फायदा हो रहा है, यस हो रहा है, कंट्री का फायदा हो रहा है, यस हो रहा है। तो सस्टेनेबल होना चाहिए कोई भी मॉडल है, कोई भी सिस्टम सस्टेनेबल होना जरूरी है। अगर आप वन साइडेड सोच के चलोगे ना, टोटली फेल हो जाएगा सिस्टम, टोटली फेल हो जाएगा सिस्टम, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हो, चाहे जॉब क्यों ना कर रहे हो, अगर जॉब इसी पर्पस से कर रहे हो सैलरी के लिए, फेल हो जाएगा सिस्टम। सोच के देखो खुद कि अगर हमने कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं करना, फेल है पूरे सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम तभी तो फेल है, मानते हो फेल है गवर्नमेंट सिस्टम, लेकिन तब भी सारे गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना। लेकिन अब चीजें बहुत चेंज हो गई है, राइट। सो गेट एग्जाम पर्पस समझ आ गई, ठीक है। गेट एग्जाम का एग्जाम स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है, विजिबल है सभी को पीछे तक। देखो गेट एग्जाम का जो रेशियो है 70-30, पहले ध्यान से समझना, 70-15-15 में तो देखो, बाद में लिख लेना 70-15-15, 70 नंबर का आपका टेक्निकल पार्ट जो आप लोग कॉलेज में पढ़ते हो, जो टेक्निकल सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हो, 15 नंबर का आएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो आप लोग पढ़ते हो, M1, M2, M3 पढ़ते हो ना,
15 नंबर का आएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, 15 नंबर का क्या आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड इंग्लिश। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है, एलसीएम एससीएम आरसीएम पढ़ के आएगा साथ टेंथ तक। रीजनिंग में क्या, नंबर सिस्टम एजीज प्रॉब्लम सीटिंग प्रॉब्लम पढ़ के आएगा टेंथ तक, नहीं पढ़ते हो। इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिनोनियम एंटोनियम फिलिंग द ब्लैंक पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो। तो इसे 100 नंबर में मेरे को ऐसा कुछ बताओ जो तुमने नहीं पढ़ा हो, है कुछ ऐसा जो तुमने नहीं पढ़ा हो। तो डर किस बात का, डिफिकल्टी कहां पे, डिफिकल्टी सिर्फ है प्रैक्टिस का, सिर्फ प्रैक्टिस वाली बात है और कुछ भी नहीं है। बात आई क्रिकेट में जो भी लोग खेलते खेलते नहीं, क्रिकेट जाता है तो खेलते ही जाता। तो भाई अगर मैं बोलूं कि मेरी वीकनेस है स्पिन बॉल खेलने की फॉर एग्जाम्पल, कैसे इसको ओवरकम करोगे, खुद सोच के बताओ। लाओ बोलो लाओ चार पांच सामने स्पिन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, बस ओवरकम हो जाएगा। यही तरीका है किसी भी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम को फेस करने का। घबराना घबराना डरना तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसको फेस करना प्रॉब्लम को और सोल्यूशन आ जाते हैं, हर चीज का सोल्यूशन है। ठीक है, 70-15-15 65 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 30 क्वेश्चन होते हैं इसमें 1 मार्क के, 35 क्वेश्चन होते हैं इसमें 2 मार्क के, और 180 मिनट का एग्जाम है। मैं बोल रहा हूं 65 क्वेश्चन 180 मिनट, ये एग्जाम पैटर्न है। लेकिन आपने लेके चलना है 50 क्वेश्चन 180 मिनट, 15 नंबर का छोड़ दो, 15 क्वेश्चन छोड़ दो, नहीं करने का रिक्वायरमेंट, बिलीव मी। कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, 100 नंबर का तैयार करके जा सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होते कुछ डिफिकल्ट पार्ट हर किसी के होते हैं, किसी की स्ट्रेंथ होती है, किसी की वीकनेस होती है। सिविल में डिजाइन वाले सब्जेक्ट किसी के स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, किसी के वीक भी हो सकते हैं, लेकिन डिजाइन वाले सब्जेक्ट से डरते हैं हम लोग, पता नहीं क्यों। वो तो टोटली कैलकुलेशन है यार, वो तो टोटली प्रैक्टिस है और बहुत ईजी है, वो समझने वाली चीज है, रट्टा मारने वाली चीज नहीं है। एनवायरमेंट में काफी अच्छी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, आरसीसी में कुछ याद करने वाला नहीं है सब कुछ कोर्स के अलावा। खास करके अगर मैं गेट एग्जाम की बात करूं, मैं जेईई एग्जाम की बात नहीं कर रहा। ठीक है, 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। लक से तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा एग्जाम में, अकड़ पकड़ से बिल्कुल नहीं कह सकते आप लोग कि एबीसीडी है जो दिल आया उठाना, एबीसीडी क्या सी आ रहा है तो सी लगा दो, उससे तो बिल्कुल ही नहीं निकलेगा एग्जाम। क्यों, क्योंकि इसमें 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 ऑप्शन, इस पे अकड़ पकड़ खेल सकते हो। दूसरा फिलिंग द ब्लैंक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक है आंसर पुट करना है, यहां पे कोई बीमार नहीं आता, काम आएगा यहां पे अकड़ पकड़ लग कोई काम नहीं आएगा, तुम्हें कैलकुलेशन करके ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तीसरा मल्टीपल सिलेक्शन आंसर टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन जिसमें एक से ज्यादा आंसर ठीक है। ठीक है, तो ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर आते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन का, 1 मार्क क्वेश्चन का नेगेटिव 0.33 नेगेटिव मार्किंग, 2 मार्क क्वेश्चन का 0.66 नेगेटिव मार्किंग, और जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ फीचर्स हैं गेट एग्जाम के। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि स्टूडेंट्स कैन राइट गेट इन थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, आप लोग थर्ड ईयर ऑनवर्ड गेट के एग्जाम दे सकते हो, यू आर एलिजिबल, लेकिन उसको आप इमीडिएटली यूज नहीं कर सकते हैं, आप उसको अगले साल यूज कर पाओगे। इसका भी डिस्कशन करेंगे कि थर्ड ईयर लिख रहे हैं तो कौन सा लिख रहे हैं और कैसे इसकी स्ट्रेटेजी बनानी है, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद 70-30 मैंने आपको बता दिया, 70-15-15। उसके बाद गेट का जब आप क्वालिफाई हो जाता है तो जितना भी मैंने आपको करियर ऑप्शंस बोला वो सारी ओपन हो जाती है। गेट में कैलकुलेटर, फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, वहां पे वर्चुअल कैलकुलेटर होता है। गेट का जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर थर्ड ईयर में मैंने पेपर नहीं लिख दिया, इसका फायदा क्या हुआ? ये फायदा है कि वो 3 साल के लिए गेट का स्कोर वैलिड होता है। उसके बाद गेट आप लोग 2 गेट के एग्जाम लिख सकते हैं एक ईयर के अंदर, ये पहले नहीं था, ये पिछले 2-3 साल से हुए। ठीक है, समझ में आ गए, 2 गेट पेपर लिख सकते हो, थर्ड ईयर में लिख सकते हो, और ये बाकी सारी चीजें 3 साल के लिए वैलिड है, कैलकुलेटर नहीं है। उसके बाद क्यों करना है, सारी ऑप्शन मैं पहले डिस्कस कर लिया कि अगर आपको पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब में जाना है, हायर एजुकेशन इंडिया अब्रॉड में जाना है, अगर आप लोग किसी एक डोमेन में स्पेशलाइज्ड होना चाहते हो। अभी तक आप लोगों को कोई स्पेशलाइजेशन है? नहीं है। है स्पेशलाइजेशन? नहीं है। अगर आप किसी डोमेन के स्पेशलाइज होना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल डेटा साइंस के, फॉर एग्जाम्पल एआई के, फॉर एग्जाम्पल मशीन लर्निंग मेकाट्रॉनिक्स, फॉर एग्जाम्पल रोबोटिक्स के,
आप होना चाहते एक्सपर्ट होना चाहते हो, ई व्हीकल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट कोर्सेज बहुत ज्यादा है, एनवायरमेंट, एनर्जी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, सितारा, रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैंने ये जो बोले हैं ना, ये आप लोगों ने शायद पहली बार सुने होंगे कि इसमें भी स्पेशलाइजेशन हो सकती है। ये मैंने सारे नॉन कोर स्पेशलाइजेशन बोली है, इंटरडिसिप्लिनरी स्पेशलाइजेशन बोली है, जिसमें कोई भी ब्रांच का बचा जा सकता है। अब कोर ब्रांच के स्पेशलाइजेशन की बात करूं, सिविल के लिए पर्टिकुलर बात करें तो कौन कौन सी होती है स्पेशलाइजेशन हायर स्टडीज में? हाँ जी, स्ट्रक्चर हो सकती है, और जियोटेक हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, एनवायरमेंट हो सकती है, वाटर रिसोर्सेज हो सकती है, ये सारी इलेक्ट्रिकल में बताओ स्पेशलाइजेशन हायर स्टडीज में कोर डोमेन में। हाँ, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम और सिग्नल प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, और तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉनिक्स की डोमेन है, है ना। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम्स, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बाद में जाके, इसको ओपन छोड़ते हैं बात को, ठीक है। तो ये आपकी कोर डोमेन्स हैं, ठीक है नहीं? उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं हर कॉलेज में जा जाके बोल रहा हूं कि हर किसी को गेट का एग्जाम लिखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि गेट हमें लिखना क्यों है, हर किसी को क्यों लिखना चाहिए, उसके थ्रू क्या करियर ऑप्शन है वो एक साइड में है, कि इसके थ्रू हायर स्टडीज, इसके थ्रू जॉब्स हैं, वो एक साइड में सारी ऑप्शंस, और ये चार चीजें एक साइड में, इसका उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली चीज क्रेडिबिलिटी। बहुत सारे बच्चे मेरे को ऐसे मिलते हैं, पेरेंट्स मेरे को ऐसे बोलते हैं, सर ये प्लस वन प्लस टू तो बहुत अच्छा था लेकिन इसमें मेहनत की अच्छा कॉलेज टारगेट करने का नहीं मिल पाया, और अब ये बीटेक कर रहा है और इसका कोई मोटिवेशन नहीं बन रहा, 6.5-7 CGPA चल रहा है, ठीक है। एक टाइप ऑफ स्टूडेंट होता है उसी क्लास के अंदर जिसका 8-9 CGPA भी चल रहा है। तो ये जो वर्ड क्रेडिबिलिटी है, किसी का CGPA बीटेक में 9 चल रहा है, 8 चल रहा है, 8.5 चल रहा है, किसी का 6 चल रहा है, 6.5 चल रहा है, क्या ये इस चीज का प्रूफ है कि उसका 9 वाले का जो नॉलेज लेवल है वो ज्यादा है या 6 वाले का कम है या उसकी कैपेबिलिटी कम है? अंदाजा लगाया जा सकता है? लेकिन गेट एक ऐसा एग्जाम है, अगर तुम उसको क्वालिफाई करते हो तो कोई तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज नहीं कर सकता कि तूने इंजीनियरिंग कैसे कर ली, तेरे को तो इंजीनियरिंग का पता ही कुछ नहीं है। फिर उसके बाद जितने मार्क्स आएंगे ज्यादा वो तो है ही उसका बेनिफिट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रेडिबिलिटी, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता, और पूरी लाइफ तुम इस चीज को यूज कर सकते हो कि सर आई वॉज गेट क्वालिफाइड इन दिस पर्टिकुलर ईयर, और उसका बेनिफिट भी ले सकते हो। सिर्फ यही एक ऐसा एग्जाम है जिसको तुम पूरी लाइफ कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाओगे उसको अपने रिज्यूमे में लिखोगे और जिसका तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रेडिबिलिटी। दूसरा, लाइफ लॉन्ग बेनिफिट अभी मैंने बताया, रिज्यूमे पे लिखो। हम लोग टीचर रिक्रूट करते हैं, हम लोग रिज्यूमे मंगवाते हैं, तो रिज्यूमे के ऊपर अब मेरे को क्या करना है, मेरे को नो डाउट टीच करवाना है उन्हीं स्टूडेंट्स को जो गेट या JEE/SGM के लिए, JEE के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है। उसमें अगर मेरे पास 5 रिज्यूमे आए हैं तो अगर उसमें किसी एक दो ने लिखा हुआ है ना कि सर मैं गेट क्वालिफाइड हूं, तो आपको लगता है कि उसको बेनिफिट मिलेगा 101% मिलेगा। और ये तुम कहीं भी इंटरव्यू में जाओ, ये तुम्हें इसी डोमेन से रिलेटेड बात कर दिया, लेकिन मान लो आप इंडस्ट्री में भी जा रहे हो, वहां पे भी तुमने रिज्यूमे में लिखा हुआ है कि भाई मैं गेट क्वालिफाइड, आई एम गेट क्वालिफाइड, तो उसको एटलीस्ट ये दिमाग में आएगा कि यार इसको इंजीनियरिंग की समझ है, इसके कंसेप्ट ठीक ठाक है, चलो कुछ ही तरह सब्जेक्ट के क्यों ना हो, उसको समझ है। तीसरा, इंटरव्यू। जब आप पढ़ते हो ना गेट एग्जाम तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होते हैं, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते ही होते हैं, होते ही होते कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग, उसका बेनिफिट तुम्हें इंटरव्यू में भी मिलता है, चाहे वो तुमने रिज्यूमे पे राइट किया है, चाहे तुम्हें उसने आप लोग उसको क्वेश्चन आंसर के थ्रू कर रहे हो, आंसरिंग कर रहे हो, चाहे उसकी आंसरिंग कर रहे हो, तो तुम्हें इंटरव्यू में इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होते हैं। चौथा, ये एक ऐसी चीज है, ये उस केस में एप्लीकेबल है कि मान लो तुमने पूरा साल मेहनत किया और गेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ,
ये भी तो केस लेके चलना पड़ेगा ना कि मान लो गेट क्वालिफाई नहीं हो फिर क्या हो, लेकिन कंडीशन इज प्रीरिक्विजिट इज कि तुमने मेहनत की है पूरा साल। आप लोगों को साथ भी होता होगा कि पूरा साल मेहनत किया फाइनल एग्जाम कोई कभी कभी अटक जाता है कोई ना कोई, कि मे बी सो मेनी रीजंस फॉर दैट, शायद उस दिन आप बीमार पड़ गए, मे बी वो 3 घंटे आपके लिए अच्छे नहीं थे, अच्छे नहीं थे मतलब ओनली बेस्ट प्लेयर आया इस टाइम पे, पहली आपने बॉलिंग आया 4-5 बाउंस रे मारी सीधा, आपको नहीं तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, होगा नहीं होगा। ये चीज तुम्हारे साथ भी हो सकती है कि तुमने जो पेपर अटेम्प्ट करना शुरू किया, शुरू के 2-4 क्वेश्चन जो आपके कंफर्ट जोन के थे वो हिल गए, नहीं हो पा रही हो, ये हो सकता है, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे आ जाता है, ये हर किसी के साथ नहीं होता लेकिन नॉर्मली हो जाता है, तो तुम्हारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर जाती है, क्या हो नहीं रही, पता नहीं कितने नंबर आएंगे, मैं तो 50 नंबर का टारगेट लिया था, अंडर प्रेशर जो आ जाते हो आप, तो मान लो फोर्थ तुम्हारा गेट क्वालिफाई नहीं हुआ लेकिन तुमने मेहनत पूरी की है, तो क्या गेट इज द ओनली सिंगल एग्जाम जो पूरे साल के अंदर होता है, क्या गेट इज द ओनली एग्जाम, ऐसे और बहुत सारे एग्जाम आते हैं स्पेशली फॉर द जॉब या हायर स्टडीज का डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे आईआईटीज हैं जो विदाउट गेट की एंट्री लेते हैं थ्रू देयर ओन रिटन एग्जाम एंड द इंटरव्यूज। कौन सा ऐसा एग्जाम है इंडिया के अंदर जिसका सक्सेस रेट सबसे कम है, गेट का तुमने लिखा 16-15% है, यूपीएससी में सिविल सर्विस, यूपीएससी को एग्जाम नहीं, यूपीएससी का एग्जाम का दक्कन वाली बॉडी है, एग्जाम ही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सीएससी सबसे कम सक्सेस रेट है, तो आपको क्या लगता है कि वही जो 1000-1200 लोगों का सिलेक्शन होता है क्या वही कैपेबल है, अगर उनका वो एग्जाम नहीं निकला तो जिंदगी खत्म उनके लिए, तो उनके लिए स्टेट के लिए तो पीसीएस एग्जाम होते हैं ना, और भी बहुत सारे एग्जाम होते रहते हैं पूरे साल के अंदर, तो जिसने एक बार उस प्रोसेस को कंप्लीट किया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन अदर एग्जाम्स गेट्स इंक्रीज, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। गेट नहीं निकला एई का एग्जाम निकल गया, गेट नहीं निकला एसजेपी ने लिमिटेड का एग्जाम निकल गया, हर साल होता है आपका जिसमें सबसे ज्यादा जो रिक्रूटमेंट है सिविल की होती है, सुने एसजेपी ने पोस्टिंग यही पे होनी है हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल के स्टूडेंट्स में मैंने एक चीज देखी है ना, पॉजिटिव लगा लो नेगेटिव लगा लो जो भी लगा लो, पहली चीज गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, बहुत कम लोग हैं जो मिले हैं हिमाचल में जो रिस्क लेते हैं, रिस्क तो बहुत मिनिमम लेके चलते हो और हिमाचल से बाहर नहीं निकलना चाहते, लेकिन बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि जब तक तुम बाहर नहीं ना निकलोगे ग्रो नहीं कर पाओगे, तो ग्रो करने के लिए बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जाने का समय। अब हम बात करते हैं गेट के थ्रू जॉब्स का क्या ऑप्शन है। हमने गवर्नमेंट जॉब की बात की, हमने पब्लिक सेक्टर की बात की। पब्लिक सेक्टर, ये सारे पब्लिक सेक्टर के कुछ नाम लिखे हुए हैं। पब्लिक सेक्टर क्या होता है मैं बता दूं, इसका गवर्नमेंट जॉब मैंने क्यों नहीं बोला। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप क्लास वन ऑफिसर के लिए जा रहे हो, एक ही सैलरी कितनी होती है फुल स्केल पे, इन हैंड कितना आता है, है नहीं 60-70-80 हजार में आपका, इसका पैकेज कितना है, पब्लिक सेक्टर कितना दे रहे हैं, 7th पे कमीशन के हिसाब से सेम नहीं होनी चाहिए, तो ज्यादा कैसे दे रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर, ये गवर्नमेंट जॉब, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर होता है वो 51% होता है, बाकी जो शेयर है वो किसी स्टेट का हो सकता है या दूसरे पब्लिक सेक्टर का हो सकता है, ऐसे पब्लिक सेक्टर बनते हैं। 3 कैटेगरीज होती है, महारत्नास, मिनी रत्नास, नवरत्नास, नहीं है नवरत्नास, जिसका एक टर्नओवर एक स्केल से ऊपर है वो महारत्ना। कितने पब्लिक सेक्टर है महारत्ना इस टाइम पे, आईडी किसी को कोई महारत्ना पब्लिक सेक्टर का नाम बताओ, 2-4 तो ले चुका हूं पहले, हाँ बीजीसीएम पूछिए, बोलो यार गलत बोलते हो फिर क्या हो जाएगा, नंबर ज्यादा कट जाएंगे, और बताओ आईएससीएल, सेल, ओएनजीसी, कोल इंडिया, सारे महारत्ना पब्लिक सेक्टर हैं और सैलरी पैकेजेस में सबसे ज्यादा हायर है। ठीक है, अब गवर्नमेंट जॉब कौन सी गवर्नमेंट जॉब है जो गेट के थ्रू है, पंजाब में जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर का जॉब है वो प्योरली गेट के थ्रू है, हरियाणा का हरियाणा यूटिलिटी डिपार्टमेंट, कोई है जो हरियाणा से, पंजाब से है जो
पंजाब हरियाणा वेस्ट बंगाल और आपका उड़ीसा या उड़ीसा पीछे इन चार स्टेट्स के जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसमें जो एसडीओ का जो जॉब है या असिस्टेंट इंजीनियर का जॉब है वो गेट एग्जाम के लिए तो ये होगी टोटली गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद पब्लिक सेक्टर में ये सारे पब्लिक सेक्टर हैं। अब इसमें पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के दो तरीके हैं विद एंड विदाउट गेट। 2009-10 के आसपास पब्लिक सेक्टर इसमें ऐड होने स्टार्ट हो गए थे जिन्होंने उसके थ्रू रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद स्टिल बहुत सारे पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो अपना टेस्ट भी लेते हैं। मेरे को कोई बता सकता है एचएएल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? एचएएल क्या है बताओ। हाँ बोलो बोलो गलत ही सही। हाँ कोई आइडिया नहीं? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एचएएल। और ये बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या बनाता है एचएएल? तेजस और बहुत मिसाइल्स हेलीकॉप्टर्स फाइटर ये बना रहे हैं। डीआरडीओ को बहुत सारे प्रोडक्ट इसने ले लिए क्योंकि डीआरडीओ कुछ कर ही नहीं रहा था लेकिन एचएएल इज डूइंग वेरी गुड लाइक इसरो इज डूइंग वेरी गुड बीएसई इज डूइंग वेरी गुड एचएएल इज आल्सो डूइंग वेरी गुड। एचएएल में जो एंट्री मिलेगी विदाउट गेट अपना टेस्ट होता है हर साल। दो पोस्ट निकालते हैं एक मैनेजमेंट ट्रेनी एक डिजाइन ट्रेनी। जिसको हार्डकोर टेक्निकल में काम करना है डिजाइन ट्रेनी, जिसको मैनेज करना है लोगों के साथ काम करना है मैनेजमेंट ट्रेनी। उसके बाद आईएसआर हो सुने आप किसी नाम सुने? सबसे ज्यादा कौन लोग होते हैं इसरो के अंदर कौन सा पार्ट के होते हैं इस कंट्री के? प्राउडली बोल रहे हो मतलब किधर बोल रहे हो? हाँ क्यों होती है साउथ इंडियन पढ़ते जा रहे हो क्या में ज्यादा होती है ये रीजन है? तो क्या रीजन है? उनमें क्रेज है आईएसआर जाने का। उनके पास जो जो सोसाइटी है उनकी जो उनका सोशल सर्कल है। देखो आप लोग इन्फ्लुएंस किससे होते हो? अपनी सोसाइटी से होते हैं ना अपने अपने आसपास से होते हैं ना इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा। हो अगर हिमाचल में मेजोरिटी लोग गवर्नमेंट जॉब देखेंगे तो तुम्हारा इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट जॉब का बनेगा। अगर तुम्हारे साथ में लोग आईटी जाना स्टार्ट कर दें तो आईटी लाइन जाना स्टार्ट कर दोगे। होता ही होता है इन्फ्लुएंस पीयर ग्रुप का, पीयर ग्रुप लगा लो या सीनियर लगा लो या पेरेंट्स का लगा लो होता ही होता है। हाय ना बोलो यार तुम लोग क्यों नहीं भाई? रीजन उसके पीछे एक ही है क्रेज। जाना आईएसआर तो जाना है और ये हर साल अपना टेस्ट लेते हैं। 2020 तक अपना टेस्ट लेते रहे 21 में इन्होंने गेट के थ्रू किया 22 में कोई रिक्रूटमेंट की 23 में दोबारा से आए अपने टेस्ट लेते और ये हर साल होता है टेस्टिंग का हर साल। समझ में आई? डीआरडीओ ये गेट कंपलसरी इसके लिए ऑल्दो कि उसके बाद रिटर्न होता है और इंटरव्यू होता है। बीएआरसी बॉम्बे एटॉमिक रिसर्च सेंटर कैसे लेते हैं इंटेक कैसे बोलो? क्या तुम्हें मोटिवेशन कैसे आएगा जब तुम्हें यही नहीं पता कि एंट्री मिलती कैसे है? तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें मोटिवेशन कैसे आएगा? तुम्हारी गलती नहीं मानना तुम्हें पता होना बहुत ज्यादा ये तुम्हारे लिए तो है सारे। इसमें दोनों तरीके से एंट्री मिलती है। ये जो फॉर्म फिल करवाते हैं तो दोनों तरीके होते हैं गेट के थ्रू भी विदाउट गेट भी कि जिसका गेट परीक्षा नहीं होगा। रीजन वही जो मैंने आपको बताया कि लेवल अच्छा बन देगा लेकिन नहीं हुआ गेट के एग्जाम क्वालिफाई तो अपॉर्चुनिटी देते हैं इफ यू आर कैपेबल देन आई एम गिविंग यू द सेकंड चांस रिटर्न क्वालिफाई करके आओ और उसके बाद फिर होगा इंटरव्यू। ठीक है? ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। एचपीसीएल अपना टेस्ट लेता है, भारत इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अपना टेस्ट लेता है, बीएचईएल भारत बीएचईएल कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड मास मोटर है आपका इलेक्ट्रिकल का। ओएनजीसी अपना टेस्ट लेता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसमें एटीसी का जॉब होता है जूनियर एग्जीक्यूटिव का। 500 वैकेंसीज आई है इसमें गेट के थ्रू जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की पिछले 2 साल के अंदर तकरीबन 2000 ये इंटेक कर चुके हैं और इसमें साइंस बैकग्राउंड चाहिए मतलब बीएससी भी एलिजिबल है बीटेक भी एलिजिबल है बस आपने फिजिक्स और मैथ पढ़ा होना चाहिए अपने बीटेक के अंदर देन यू आर एलिजिबल।
ऐसे एक साल के अंदर तुम्हारे पास मोर देन 50 एग्जाम्स होते हैं, मोर देन 50 एग्जाम, ये पता ही नहीं है हमें। हमारी वही एक जेई एई वही तक लिमिटेड है हम लोग। बहुत अपॉर्चुनिटीज है यार, बाहर निकलो, तुम्हें मजा आएगा और तुम लोग किसी के लिए रोल मॉडल बनोगे। बनना चाहते हो कि बनना चाहते हो? किसी को तो यार इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, मास से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो और कोई को निकलेगा रोल मॉडल बनेगा। अपने कॉलेज से स्टार्ट करो। तुम्हारे वैसे जिस दिन में गारंटी ले रहा हूं कोई आईटी या कोई चला गया, पब्लिक सेक्टर चला गया, मतलब योर कॉलेज विल बी मोर देन हैप्पी, आपका फोटो लगाएगा बड़ा करके, क्योंकि तुम किसी और के लिए तुम्हारे जूनियर से रोल मॉडल बनोगे। बच्चे बात करना चाहेंगे तुम्हें वो फीलिंग आएगी पूरी स्टार वाली, आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, और ये फैक्ट है। ठीक है जी, तो ये तरीके पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के। कितने पब्लिक सेक्टर होंगे इंडिया के अंदर, कितने हैं रफली अंदाजन? 250 प्लस, 250 प्लस। मैं कुछ ऐसे नाम बोल दूंगा, तुम लोग बोलोगे अच्छा सर ये भी पब्लिक सेक्टर है? आपका बैंक पंजाब नेशनल बैंक, SBI, JNK बैंक, ये क्या है? सब पब्लिक सेक्टर है। आप लोग किसके पेरेंट्स हैं इन बैंक में? सब सैलरीज देखना, ये गवर्नमेंट से ज्यादा होती है। पब्लिक सेक्टर हमेशा बेनिफिट तो ज्यादा होते हैं, मोटिवेशन है बेसिकली, वो काम कर लो, सिस्टम चला लो इस ऑर्गेनाइजेशन को, उसका मोटिवेशन है और वहां काम करना पड़ता है। ठीक है जी, तो इसके थ्रू आप JRF SRF का भी ऑप्शन होता है, जूनियर सर्च फेलोशिप, सीनियर सर्च फेलोशिप, ये भी ऑप्शन होता है तुम्हारे पास। बहुत सारी लैब्स होती है वहां पे, तुम जा सकते हो गेट के थ्रू। उसके बाद ये आ गया हायर स्टडीज, जिसके बारे में हमने बात किया था। तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास टेक्निकल डोमेन में हायर स्टडीज में इंडिया में। पहला है तुम्हारे पास एमटेक ऑप्शन। एमटेक 2 साल का प्रोग्राम है और 12,400 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप है। बहुत ही जल्दी ये स्कॉलरशिप है, 18,500 होने वाला है। एमएस 3 साल का प्रोग्राम है, कुछ जगह पे इसको एमटेक आरए भी बोलते हैं, एमटेक रिसर्च भी बोलते हैं। और तीसरा है डायरेक्ट बीएससी। डायरेक्ट बीएससी 5 साल का प्रोग्राम है, जिसमें जो स्कॉलरशिप है वो 38,000 से 43,000, ये अभी बढ़ा है, पहले ये 25 से 28 था, अभी बढ़ा है, पीछे से 38 से 43 हो गया। और एक पीएमआरएफ पीएचडी होती है। व्हाट इज पीएमआरएफ? व्हाट इज पीएमआरएफ पीएचडी? प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। स्कॉलरशिप 70,000 से लेकर 80,000 पर मंथ का स्कॉलरशिप। ठीक है, अब मेरे को भी 1% रीजन बता दो कि तुम्हें पैसा कैसे जस्टिफाई कर रही है। समझ, 12,400 तुम्हें मिल रहा है ना, कैसे जस्टिफाई हो रहा है? तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई के द्वारा देगी गवर्नमेंट लगता है? आपको पढ़ाई नहीं दे रही है, आपको 12,400 कर लो, एमटेक कर लो, 12,400 पर मंथ ले लो, किस कारण से दे रही है? किस कारण से कैसे जस्टिफाई हो रहा है? मैं बता चुका हूं तुम्हें एक रीजन, प्रोजेक्ट। तुमसे वो प्रोजेक्ट में काम लेंगे, जिससे तुम्हारा पर्पस भी सॉल्व होगा और प्रोफेसर का भी, उसके पास प्रोजेक्ट है। दूसरा, खासकर वो एमटेक के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि एमटेक छोटा प्रोग्राम है 2 साल का, क्योंकि उसमें जो रिसर्च होगा 1 साल का ही होता है। तो उसमें जो जस्टिफिकेशन है 12,400 रुपए पर मंथ का, वो होता है थ्रू द TA, दैट इज द टीचिंग असिस्टेंटशिप। एक होता है रिसर्च असिस्टेंटशिप, एक होता है टीचिंग असिस्टेंटशिप। टीचिंग असिस्टेंटशिप मतलब तुम मास्टर्स कर रहे हो, तुम अपने प्रोफेसर जो जो तुम्हारा जिसके अंदर तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो, या तुम बीटेक वालों की लैब ले रहे हो, पेपर चेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ऐसे वो जस्टिफाई होता है 12,400 रुपए पर मंथ। तो 2 तरह की असिस्टेंटशिप होती है, एक होती है 12,000 टीचिंग असिस्टेंटशिप और दूसरी होती है रिसर्च असिस्टेंटशिप। एमएस में जो तुम्हें मिलता है वो रिसर्च असिस्टेंटशिप होती है, क्योंकि इसमें जो एमएस में जो रिसर्च है वो 2 साल की होती है, एमटेक में जो रिसर्च है वो 1 साल की होती है। बात आ रही है समझ में? ये डिफरेंस है इसमें। आपने वर्ड शायद अभी तक एमएस जो सुना होगा वो अब्रॉड के लिए सुना होगा, कि अब्रॉड में ही होती है एमएस, इंडिया में भी होती है। ठीक है, उसके बाद एमबीए कर रहा है, मेरे को मैनेजमेंट कोर्स में जा रहे हैं। You can enter, you can do management courses through this GATE exam also.
ईच एंड एवरी आईटी, ईच एंड एवरी एनआईटी ऑफर्स द मैनेजमेंट कोर्सेज। हर आईटी में, हर एनआईटी में, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आईटी मद्रास, इधर आईयूआर आईटी बॉम्बे, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट आईसी बेंगलोर, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आईटी दिल्ली, हर आईटी में, हर एनआईटी में मैनेजमेंट कोर्सेज आर देयर, मैनेजमेंट कोर्सेज आर देयर। तो तुम्हें अगर मैनेजमेंट कोर्स के लिए जा रहे हैं तो तुम्हें अलग से कैट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सारी ऑप्शन मैंने जितने भी शुरू में नाम दिए थे चीजें सारे इसी के थ्रू है। एंड यू कैन ऑल्सो एंटर इन टू द आईएएम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, थ्रू दिस गेट एग्जाम। एंड दैट प्रोग्राम इज एफपीएम प्रोग्राम। व्हाट इज दिस एफपीएम प्रोग्राम? फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। इसमें 25,000 से लेकर 35,000 पर मंथ का स्कॉलरशिप है। देखो जिसमें भी रिसर्च होगी, मैं आपको बताता हूं इसमें एंट्री करने के तरीके। जितने भी रिसर्च प्रोग्राम है, कितने लोग यहां के हैं जो 7.5+ सीजीपी है, जिसका 7.5+ सीजीपी नहीं, जहां आप तक हो सीजी में बोलोगे अभी तक जितने सेमेस्टर का तुम्हारा कंप्लीट नहीं, फर्स्ट ईयर का नहीं आया, फर्स्ट ईयर रिजल्ट नहीं आपके पास, अच्छा लीड स्टूडेंट्स, तो जिसका भी सीजीपीए 7-7.5+ जनरल कैटेगरी गेट नियर क्वालिफाइड, ध्यान से सुनना, 30-35 नंबर भी अगर तुम्हारे आ रहे हैं और 7.5+ सीजीपीए है और जनरल कैटेगरी से तुम बिलोंग कर रहे हो, 101% यू विल रिसीव कॉल फ्रॉम द आईटी। सर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हो? वी आर सेंडिंग पीपल, हम लोग भेज रहे हैं, यू आर पी टी आई दैट। बात आ गई समझ में? बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, जितने भी रिसर्च प्रोग्राम हैं, एमएस प्रोग्राम, डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम, एफपीएम प्रोग्राम, इसमें सीजीपीए का इंपॉर्टेंस है। एमटेक प्रोग्राम पब्लिक सेक्टर जॉब या एमटेक, उसमें जो प्योरली जो सिलेक्शन है आपका वो गेट के मार्क्स के ऊपर है, क्योंकि गेट की मेरिट बनेगा और उसके बेस पे सिलेक्शन। बात आ गई समझ में? नहीं आ रही समझ में? एमएस प्रोग्राम, डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम, एफपीएम प्रोग्राम, इसमें आपको चाहिए अ वेरी गुड सीजीपीए विद अ वैलिड गेट स्कोर, वैलिड गेट स्कोर, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होना है। लेकिन एमटेक और पीएसयू में ऐसा नहीं है, जो फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग है वो प्योरली गेट मार्क्स के बेस पे होना है, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ गेट मार्क्स, राइट? तो ये सारी ऑप्शंस। अब बात करते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज की। आप लोगों में से कौन लोग हैं जो फॉरेन जाना चाहते हैं? करो आपने कहें सर, कौन लोग फॉरेन जाना चाहते हैं? अच्छा कौन लोग फॉरेन पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं? एब्रॉड की बात करते हैं। देखो अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो ना, देर आर सो मेनी वेज, जिसमें अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे ना, अच्छा कितने लोग मतलब जिनका ड्रीम है कि मैं जाके अब्रॉड में कहीं से पढ़ के आऊं, तो मे भी बहुत सारे आप खड़े हो जाएंगे। लेकिन अब मैं पूछूंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन आप लोग बोलोगे सर ऐसा है ना, आप बोलो सर 25-30 लाख लगेंगे, है ना, मात्र 2 लाख रुपए चलिए, मात्र 2 लाख, इससे ज्यादा खर्चा नहीं है और इससे ज्यादा खर्च के जाना भी नहीं है अब्रॉड। देयर इज अ वे, 2-3 चीजें मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना अब्रॉड के लिए। पहला, अगर जब भी आप अब्रॉड के लिए जा रहे हो तो शॉर्ट कोर्सेज के लिए मत जाओ, फॉर द सेक ऑफ गोइंग मत जाओ कि बस चले जाए और पीआर मिल जाएगी और लेबर वाला काम कर लेंगे, वो मत करना। पहला, अगर आपने अब्रॉड जाना है तो एज अ टेक्नोक्रेट जाओ, एज अ इंजीनियर जाओ, और वहां पे जब आप मास्टर प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो दो प्रोग्राम होते हैं, एक एम इंजीनियरिंग प्रोग्राम होता है और एक आपका एमएस प्रोग्राम होता है। एम इंजीनियरिंग में स्कॉलरशिप नहीं होती है, जो स्कॉलरशिप होती है वो आपका एमएस में होता है। तो ध्यान से एक कोर्स चूज करना कि आप एमएस के लिए जा रहे हो, एम इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो। अगर आप अब्रॉड जा रहे हो मास्टर प्रोग्राम के लिए तो एमएस चूज करना, क्योंकि स्कॉलरशिप आपको उसी में मिलेगा। दूसरा, इजिएस्ट वे टू गो अब्रॉड, जिसमें 2 लाख खर्चा मैं आपको बता रहा हूं, शायद उससे भी कम आ जाए, वो ये है, डू मास्टर्स फ्रॉम इंडिया एंड गो फॉर द पीएचडी अब्रॉड, एंड गो फॉर द पीएचडी अब्रॉड। क्यों? क्योंकि पीएचडी
एक पूरी पूरे वर्ल्ड के अंदर फुल्ली फंडेड प्रोग्राम होते हैं। क्यों? रीजन मैं आपको बता चुका हूं क्यों। प्रोजेक्ट्स, आपको क्या लगता है 5 साल में क्या करवा रहे हैं आपसे? कुछ सोच के देखो कि 30 साल की पीएचडी में करोगे क्या? आप पढ़ना नहीं है, कुछ भी पढ़ने का रिक्वायरमेंट, तुम्हें किसी टॉपिक पे रिसर्च करनी है, कुछ सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और उस सोसाइटी की प्रॉब्लम को इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, और उस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को प्रोफेसर को दी हुई है जिसने उसको फंड दिए हुए हैं, और ये पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है, पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है। और बहुत सारी कंट्रीज में, यूरोप में, जर्मनी वगैरह में, वो पीएचडी तो वर्ड ही यूज नहीं करते हैं, वो जॉब वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि पीएचडी होती जॉब है। 40,000 पे, 80,000 पे क्यों दे रहे? जॉब है तुम्हारी, तुमसे काम लिया जा रहा है, लेकिन इससे पर्पस हर किसी का सॉल्व हो रहा है। तो अगर आप अब्रॉड टारगेट कर रहे हो, डू मास्टर फ्रॉम इंडिया, सीजी पे थोड़ा अच्छा रखना उसके अंदर, और पीएचडी के लिए अब्रॉड चले जाओ जो कि फुली फंडेड है, 2,500, 3,000, 4,000 पर मंथ यूएस डॉलर स्कॉलरशिप, बहुत भेजी है उन्होंने, बहुत। तो ये तरीका है अब्रॉड जाने का। और गेट के थ्रू 5-6 यूनिवर्सिटीज हैं जो करती हैं एंटी, तो बता सकता है गेट के थ्रू कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो इंटेक करती है मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम के लिए? है इंडिया में 5 यूनिवर्सिटीज हैं, सिंगापुर में है 2, नन्यान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, RWTH, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक और क्रैनफील्ड यूके। ये 5 यूनिवर्सिटीज हैं जो गेट के थ्रू मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम के लिए एंट्री लेती है। ठीक है, तो ये बात होगी अब्रॉड की। उसके बाद 2-3 जनरल क्वेश्चन है। शुड आई राइट 2 गेट एग्जाम्स? मेरे को 2 गेट के एग्जाम लिखने चाहिए कि नहीं लिखने चाहिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा, थर्ड ईयर में गेट लिखने के बेनिफिट क्या है? तीसरा, वाई हायर सीरीज? जैसे मैंने आपको बोला कि गेट हर किसी को लिखना चाहिए, ऐसे ही आप लोगों को, सभी को बोल रहा हूं कि हर किसी को हायर सीरीज करनी चाहिए। क्यों? उसके पीछे क्या रीजन? सबसे पहला रीजन है ब्रांडिंग, जो अभी तक आपकी नहीं है। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का मतलब क्या है? कोई भी चीज, एक मोबाइल फोन ये लगा हुआ है, एप्पल कह रही है, कोई भी अगर नॉर्मल लगाओ फोन, आप बोलोगे यस कुछ तो डिफरेंस होगा इसके अंदर, क्वालिटी के अंदर, या कोई भी चीजों का फर्क होगा, होगा कि नहीं होगा? यही चीज हम बात कर रहे हैं इस लेवल पे भी। चाहे वो ब्रांडिंग तुम्हारी हायर स्टडीज लेवल पे हो, चाहे ब्रांडिंग तुम्हारी इंटर्नशिप लेवल पे हो, चाहे ब्रांडिंग तुम्हारी जॉब लेवल पे हो, मतलब तुम्हारे रिज्यूमे के ऊपर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम जरूर होने चाहिए जिसको दुनिया जानती हो, जिसकी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन हो। और उसमें सबसे टॉप और सबसे इजी चीज है लेना, दैट इज अ ब्रांड नेम ऑफ आईटी, जिसको पूरी दुनिया जानती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हायर स्टडीज करने का, दैट इज द ब्रांडिंग। दूसरा, जिससे आपको पैसा आएगा, एंड दैट इज द स्पेशलाइजेशन, दैट इज द स्पेशलाइजेशन। एलएनटी मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे आ रही है आपको रिक्रूट करने के लिए, और एलएनटी जा रही है मान लो टेक में रिक्रूटमेंट करने के लिए बीटेक लेवल पे, और एलएनटी जा रही है आईटी के अंदर बीटेक लेवल पे रिक्रूटमेंट करने के लिए, क्या सभी का पैकेज सेम होगा? क्या सभी का जॉब प्रोफाइल सेम होगा? बात आ रही नहीं समझ में? नाउ अब मास्टर्स लेवल पे भी आ जाओ, वही एलएनटी मास्टर्स लेवल पे भी आ रही है रिक्रूटमेंट करने के लिए, क्या जॉब प्रोफाइल और सैलरी पैकेजेस सेम होंगे बीटेक वाले? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये जो किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, 2 चीजों का डिफरेंस है। पहला डिफरेंस किस चीज का है? दैट इज द ब्रांडिंग। दूसरा डिफरेंस किस चीज का है? दैट इज द स्पेशलाइजेशन, कि आप एक चीज के मास्टर्स हो, एक चीज के मास्टर्स हो आप, चाहे वो आपका कोर डोमेन से रिलेटेड है, चाहे वो इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन से रिलेटेड है। तो स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम लोग क्या करते हैं, मैं जैसे बोला कि सर हायर स्टडीज, मैं बोल रहा हूं हायर स्टडीज करने के लिए किसी को आईटी का ब्रांड नेम जोड़ना चाहिए जिसका तुम्हें डिविडेंड मिलेगा, वहीं पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी,
और दूसरा चीज, तुम जिस पर्पज से आईटी सिस्टम में एंटर करोगे ना, वो सेम चीज लेके आप एग्जिट नहीं करोगे, इस चीज के मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। ध्यान से सुनना जो तुम्हें बोल रहा हूं, तुम आईटी सिस्टम में एंटर करे मास्टर्स करने के लिए कि वहां पे प्लेसमेंट अच्छी हो जाएगी, 15-20-25-30 लाख का पैकेज लग जाएगा, तगड़ी कंपनी आके प्लेसमेंट लेगी, यही चीज लेके तुम एंट्री करते हो, लेकिन ये चीज लेके तुम एग्जिट नहीं करते, क्योंकि जब तुम वहां पे जाते हो 2-3 साल रहते हो, जो तुम्हें वहां पे एनवायरमेंट मिलता है, जो तुम्हें ऑरा वहां पे मिलता है, जो तुम्हें पीयर ग्रुप मिलता है, उससे तुम्हारी इमेजिनेशन अलग ही लेवल पे चली जाती है। तुम्हारी स्ट्रेंथ किसी एक चीज की है, 5-7 लोग इकट्ठे हो गए अलग अलग स्टेट के, इसकी स्ट्रेंथ अलग है, इसकी स्ट्रेंथ अलग है, इसकी स्ट्रेंथ, लेकिन अगर सभी की स्ट्रेंथ बना दो तो एक कंपनी क्रिएट हो सकती है। एंड आईटी आर मीड फॉर दैट। आईटी सिस्टम किस चीज के लिए बने थे, किस चीज के लिए बने थे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए या एम्प्लॉयर क्रिएट करने के लिए, एम्प्लॉयर्स क्रिएट करने के लिए। जितने भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपको वहां पे आईटी का बंदा मिलेगा, वहां पे चाहे वो बैचलर चाहे वो मास्टर्स लेवल पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चाहे वो तुम जितने भी आप स्टार्टअप्स देख लो, जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप जो एकदम से लाइन लाइट है उसको देखा करो, उसके फाउंडर्स कौन है, 101% उसमें एक आईटी सिस्टम का होगा, 101% उसमें आईटी सिस्टम का होगा, चेक करना है जब। तो यही जो तुम्हें मैं बात कर रहा हूं कि जो तुम्हें वहां पे जाके एनवायरमेंट मिलता है, कि वहां पे जाके तुम चीजों को देखते हो, फिर तुम अपनी स्ट्रेंथ को देखते हो, फिर शायद अभी तक आप लोगों ने देखा नहीं है आपकी स्ट्रेंथ, जिसको करने में तुम्हें मजा आता है, पैसे का मतलब नहीं है उस चीज के लिए, इसका रिलेशन पैसे के साथ है ही नहीं। एंड दैट इज वेयर दिस टर्म केम, द करियर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड करियर? जॉब तो वो है कि तुम्हें एक प्रिस्क्राइब काम दे दिया, 8 घंटे के अंदर तुमने करना है, जिसके लिए तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, वो जॉब है। करियर वो चीज है, ना तुम टाइम देख रहे हो ना तुम पैसा देख रहे हो, लेकिन सिर्फ तुम्हें एक ही चीज से मतलब है, अपने काम से, जिसको करके तुम्हें मजा आ रहा है, एंड दैट इज द करियर, जिसको निकालना पड़ेगा। जैसे जब तक तुम्हें वो एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, नहीं निकलेगा, फिर वही रैट रेस में पड़े रह जाओगे, लगते हैं कि कहीं जाइए कि एक और हिमाचल के अलग से जाकर साइड में जाके वहां पे मिलेगा। ठीक है, बात आई समझ? तो इस कारण से हाईएस्ट। दूसरा चीज, जॉब के लिए जल्दी मत करना यार लाइफ में, मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं, क्योंकि जॉब देने के लिए अगर आप कैपेबल हो, अगर आप कैपेबल हो, जॉब तुम किसी भी स्टेज पे ले सकते हो लाइफ की, लेकिन ये जो चीजों की मैं बात कर रहा हूं, वो मे भी शायद दोबारा से मौका ना मिले, मे भी वो कॉन्फिडेंस ही ना आए दोबारा से करने का, अभी उस सिस्टम में हो, अभी फ्लो में निकल जाओगे। आ रही नहीं आ रही बात में, समझ आ रही नहीं आ रही है? तो ट्राई करो। और दूसरा चीज, अब दिमाग में आएगा सर बोल तो दिया हायर स्टडीज, मेरे को तो प्रेशर है 10 साल नौकरी करने का। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आप लोग अपना खर्चा निकाल लो, अगर आप लोग अपना सेल्फ सस्टेन कर लो, अपने आपको घर में कुछ भी देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल नहीं दे रहे हो, क्या घर से प्रेशर आएगा? 5-10% एक्सेप्शन छोड़ दो, नहीं आएगा। सोच के देखना इस चीज को, कि अगर मैं अपना खर्चा निकाल लूं और मैं ऐसा काम कर रहा हूं, मान लो फॉर एग्जाम्पल प्रिपरेशन कर रहा हूं, या आईटी से मास्टर्स कर रहा हूं, या एनआईटी से कर रहा हूं, ट्रिपल आईटी से कर रहा हूं, अपना खर्चा निकाल रहा हूं, और उसके बाद मेरे को पता है कि मेरा अच्छा सेटलमेंट हो जाएगा, क्या घर से प्रेशर आएगा? कभी नहीं आएगा। हम लोग बिना मतलब अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट किया हुआ है, 21 साल तो तुम्हारी डिग्री है यार, अभी 21 साल की तुम्हारी एज है, जब तुम पास आउट होगे अभी 18-19 साल के आप लोग हैं, इस एज का, इस एनर्जी का बेनिफिट उठाओ, चाहे कुछ भी करो, चाहे जी एग्जाम के प्रिपरेशन क्यों ना करो, लेकिन करो, टाइम निकलता चला जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो नहीं करना, राइट? उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि बेनिफिट्स क्या है थर्ड ईयर में देने के, मैं वो आपको एक सिंपल सी लाइन में आंसर कर रहा हूं। थर्ड ईयर में बेनिफिट, मैंने आपको बोला कि मेरा उस दिन 3 घंटे अच्छे नहीं थे, मेरा तैयारी अच्छा था, फाइनल ईयर में वो 3 घंटे अगर अच्छे ना रहे, उसके बाद तुम पास आउट हो जाओगे, बिना मतलब का प्रेशर आ जाएगा तुम्हारे, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, आ जाएगा ना, तो वो जो 3 घंटे वाला चांस है एक थर्ड ईयर में भी ले लो, तो तुम अपने मतलब चांसेस बढ़ाओ, तुम्हारे पास कॉइन है,
है तो लेके आना है। एक चांस है, दो चांस है, तीन चांस है, चार चांस है, किस केस में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? एक ही बार लेके आना है। शर्म कर लो, इतना टाइम लगा रहे हो, किस केस में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी जब तुम्हें चार चांस मिलेगी? यही चीज मेरा मतलब है कहने का, थर्ड ईयर में क्यों देना है? इसी कारण से देना है कि वो जो तुम्हारे पास स्कोर कार्ड आएगा आगे यूज कर सकते हो। थर्ड ईयर में आगे 35 नंबर, फाइनल ईयर में आगे 30 नंबर, थर्ड ईयर में आगे 50 नंबर, फाइनल ईयर में आगे 70 नंबर, तो तुम अकॉर्डिंगली अपने गेट स्कोर कार्ड को यूज कर सकते हो। तो तुम्हारे पास जितने चांसेस ज्यादा होंगे ना, उस हिसाब से तुम अपने ऑप्शन को ज्यादा ओपन कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और दो गेट पेपर देने की देने, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि दो गेट पेपर देने का ऑप्शन होता क्या है। विजिबल तो नहीं है ना, आता है सिविल। देखो पहली बात है, दो गेट पेपर देना कंपल्सरी नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है दो गेट पेपर देना, ठीक है? बेनिफिट वही है, एक चांस, दो चांस, तीन चांस, चार चांस। हाँ, लेकिन दो गेट पेपर ऐसा नहीं है कि दो बार सिविल का ही पेपर दे दो, ऐसा नहीं है, दूसरा पेपर डिफरेंट होगा। तो वो दूसरा डिफरेंट पेपर कौन सा होगा? सिविल के केस में क्या क्या है? ये सीई है, सिविल तुम्हारा कोड है गेट का। सबसे पहला है एई, एरोस्पेस, एजी, एग्रीकल्चर, एआर, आर्किटेक्चर, ईएस, एनवायरमेंटल साइंस, इसको मेजॉरिटी सिविल का बच्चा देता है। जीई, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एनएम, नवल मरीन एंड आर्किटेक्चर, और उसके बाद एक्सी, इंजीनियरिंग साइंसेस। तो इनमें से तुम्हें कोई एक पेपर सेलेक्ट कर सकते हो। देखो देने को तो तुम कोई मर्जी गेट का पेपर दे दो, चाहे कंप्यूटर साइंस दे दो, जो मर्जी दे दो। प्रॉब्लम कहां पे आती है? एलिजिबिलिटी में, कि जब तुम उसके बाद अप्लाई करोगे कि मेरा बीटेक सिविल में है, गेट मैंने दिया एक्सी से, या गेट मैंने दिया कंप्यूटर साइंस से, या गेट मैंने दिया एनवायरमेंट से, तो मैं कहां कहां पे एलिजिबल हूं अप्लाई करने के लिए? बड़ी सिंपल सी चीज बता रहा हूं, किस बेस पे डिसाइड करना है। इलेक्ट्रिकल का भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल के पास चार ऑप्शंस है। डीए, डीए कौन सा पेपर है? इसी बार स्टार्ट हुआ है गेट 2024 से, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ईसी इलेक्ट्रॉनिक से दे सकते हो, आईएम इंस्ट्रूमेंटेशन से दे सकते हो, पीएच फिजिक्स से दे सकते हो। तो तुम्हारे पास ये कॉम्बिनेशन है कि किसमें तुम दे सकते हो। अब किस बेस पे डिसाइड करना है कौन सा देना है कौन सा नहीं देना? सिंपल, अगर तुम पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहे हो, जॉब टारगेट कर रहे हो, तो जिस ब्रांच में तुम्हारा बीटेक है उसी ब्रांच में तुम्हारा जो है वो गेट का पेपर होना चाहिए। ध्यान रखना, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जिस ब्रांच में तुम्हारा बीटेक है उसी ब्रांच में तुम्हारा गेट का पेपर होना चाहिए अगर तुम पब्लिक सेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो। क्योंकि बीटेक तुम्हारा सिविल में है, गेट तुमने कंप्यूटर एनवायरमेंट साइंस में देके रैंक 1 पे लिया होगे, तब भी किसी भी पब्लिक सेक्टर के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं है। सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रिकल, तो पहला। दूसरा, सर मेरे को हायर स्टडीज में जाना है तो बताओ मेरे को कौन सा सिलेक्ट करना है, अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है। अगर आपको एनवायरमेंट डोमेन में जाना है और इंटरव्यू स्क्रीन में जाना है और मेरा डिजाइन में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को पब्लिक सेक्टर में नहीं जाना है, तो एनवायरमेंट ड्रेन ऑप्शन सारी ऑप्शन ओपन है। तो किस डोमेन में तुम अपना हायर स्टडी चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली तुम अपना वो डोमेन सिलेक्ट कर सकते हो। आगे बात समझ में आई है? आगे नहीं आ गई है इसके बेस। अब आप बोलोगे सर हम गेट डाटा साइंस का पेपर नहीं दे सकते हो। यस बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन अगर तुम गेट डीए पहली चॉइस रखोगे तो तुम्हारा सिविल सेकंड चॉइस नहीं आएगा। मतलब फिर तुम गेट सिविल में नहीं दे सकते सेकंड पेपर, और गेट डीए सेकंड पेपर नहीं दे सकते सिविल के साथ। तो कॉम्बिनेशन इसी हिसाब से बनाए हैं इन्होंने, समझ में आई? अब ये चीज और डाटा साइंस और एआई दिमाग में आ रहा होगा, सही तो कंप्यूटर साइंस का डोमेन है ना, ये कंप्यूटर साइंस का डोमेन है। डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वर्ड सुने आप लोगों ने, ये कंप्यूटर साइंस का डोमेन है? नो सर, ये मैथमेटिक्स का डोमेन है। इसको कोई भी ब्रांच का बच्चा डाटा साइंस और एआई के कोर्सेज के लिए एलिजिबल होता है मास्टर प्रोग्राम के लिए, चाहे आपने गेट सिविल से क्यों ना किए हो, आप लोग एलिजिबल हो। तो आप लोग एलिजिबल हो, ठीक है, बात आई समझ? तो इस बेस पे तुम्हें जो अपना डिसाइड करो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, इसमें हम गेट का भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, और जो आपके स्टेट के जेई एई एसएससी जेई और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। देखो मैं इसको दो कैटेगरीज में डाल रहा हूं, एक कैटेगरी आ गया गेट का और इंजीनियरिंग सर्विसेज का। सुना आपने ईएससी का नाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन,
पहले इसको आईईएस बोलते थे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज बोलते थे, ये है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन ईएससी। ईएससी और गेट एक कैटेगरी ऑफ एग्जाम्स है और आपके स्टेट के जेई एई और पब्लिक सेक्टर जो अपना टेस्ट लेते हैं ये सारे एक कैटेगरी ऑफ एग्जाम्स है। आप बोलोगे सर आपने किस बेस पे कैटेगराइज किया? गेट का जो पेपर है एक क्वेश्चन कितना टाइम दे रहा है, एवरेज कितना टाइम दे रहा है? 3 मिनट है ना, 3 मिनट का टाइम दे रहे हैं। एसएससी जेई क्या एग्जाम पैटर्न है? 200 क्वेश्चन 120 मिनट, 1 मिनट से भी कम का टाइम। आपके स्टेट के जेईई, आपके स्टेट जेईई का क्या एग्जाम पैटर्न है बताओ? पहले 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर ए में। अगर मैं हिमाचल जेईई की बात करूं एग्जाम पैटर्न की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें दो पेपर होते हैं, ध्यान से सुनना, हिमाचल के लिए पेपर वन पेपर टू एक ही दिन होता है, ठीक है। पेपर वन जो है वो आपका टोटली नॉन टेक्निकल पेपर है, जिसमें आपका क्या आएगा, हिमाचल नेशनल इंटरनेशनल जीके वाला पार्ट, दूसरा हिंदी, तीसरा इंग्लिश, चौथा हिमाचल जी। चार कंपोनेंट है पेपर वन के और ये जेईई के लिए कॉमन है, ध्यान से सुनना, हिंदी इंग्लिश हिमाचल जी के और आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ये चार टॉपिक्स है। अब आगे पेपर टू टेक्निकल पेपर, जेईई के लिए क्या होता है ऑब्जेक्टिव। चलो हम डिस्कस कर रहे थे एग्जाम पैटर्न पे, राइट। हिमाचल के जो आपके जेईई और एई एग्जाम होते हैं तो इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर वन मॉर्निंग में होगा, पेपर टू आपका इवनिंग में होगा। पेपर वन कॉमन है, सिलेबस दोनों का कॉमन है, चाहे जेईई है चाहे एई है, जिसमें चार कंपोनेंट है, हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, हिमाचल जी की आएगा और आपका नेशनल और इंटरनेशनल के आपके करंट अफेयर्स आएंगे। मेंस की बात करें, मतलब मेंस में पेपर टू की बात करें, जेई के केस में, जूनियर इंजीनियर के केस में ऑब्जेक्टिव होगा, असिस्टेंट इंजीनियर के केस में ये सब्जेक्टिव होगा। ये मेरे को लग रहा है कि जो अभी हिमुडा का एग्जाम अभी निकला हुआ है तो ये पहली बार सब्जेक्टिव होगा, ये पहली बार सब्जेक्टिव होगा। अगर इससे पहले अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव हुए, राइट। अब अगर आप मेरे से पूछोगे सर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के तैयारी करने में कहां पे डिफरेंस है, बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। जब आप ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारा पर्पस सिर्फ एक यही है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना कि इसमें से कौन सा आंसर राइट है, यही है। सब्जेक्टिव के केस में क्या है, सब्जेक्टिव के केस में जो आपने आंसर करेक्ट निकाला है उसको वर्क बहुत अच्छे तरीके से लिख देना है, जैसे आप कॉलेज का पेपर लिख रहे हो। रिपीट कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस है। ऑब्जेक्टिव के केस में क्या है कि जब आपका जो इंटेंशन है, जो आपका जो फाइनल गोल है, वो क्वेश्चन है, उसकी चार ऑप्शन है, उसका सिर्फ एक करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट है। दूसरा, सब्जेक्टिव के केस में जो आपने करेक्ट क्वेश्चन आंसर निकाला है उसको बहुत अच्छे तरीके से ब्यूटीफुली लिखना है। अब जब आप उसका सब्जेक्टिव की मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, चाहे आपके कॉलेज एग्जाम में भी वो हेल्प करेगा आपको, ध्यान से सुनना। जब भी आप कभी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो दो चीजें मैटर करती है, एक कि उसके अंदर जो आपने कंटेंट लिखा है वो ठीक होना तो जरूरी है ही है, दूसरा आपके राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में दो तीन चीजें आती है, सबसे पहला आपका राइटिंग आता है, दूसरा आप डायग्राम्स का, टेबल्स का, बुलेट्स का कितना यूज कर रहे हो। अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन आंसर सारा पैराग्राफ ही लिख दिया, पैराग्राफ पैराग्राफ पैराग्राफ, कोई बीच में ब्रेक नहीं है, कोई बीच में टेबल नहीं डाला, कोई पॉइंट्स नहीं डाले, आपको नंबर मिलेंगे बहुत कम। उसी चीज को आप रीफ्रेम कर दो बहुत अच्छे तरीके से, ब्रेक कर करके, डेफिनेशन डाल के, अंडरलाइन करके, दो कलर के पहले यूज करके, ऑटोमेटिकली वो तुम्हें दो चार नंबर ज्यादा ही दे देगा एग्जामिनर। तो जब भी तुम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसमें ये चीजें मैटर करती हैं आपका राइटिंग स्किल, तो ये ध्यान से ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका रहा स्टेट का जेई और एई, एसएससी जेई का एग्जाम पैटर्न हमने देख लिया। एक और आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर नॉर्मली 5 साल के बाद एग्जाम लेते हैं, मतलब वो वोटिंग वाला स्टंट है,
2018 में आया था पिछली बार नोटिफिकेशन, दिसंबर में 19 में इलेक्शन थे, अब 24 में इलेक्शन है अब, और इन्होंने कैलेंडर निकाल दिया है कि हम लोग जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात इन्होंने किया कि आरआरबी ने कि अब हम लोग हर साल जेईई का वैकेंसी लेके आया करेंगे। जो आप लोगों के दिमाग में, तो हिमाचल में रहना है, एसएससी जेईई के केस में कहीं में भी पोस्टिंग हो सकती है पूरे इंडिया में, लेकिन जब आरआरबी जेईई के लिए तुम अप्लाई करते हो ना तो वो जोन वाइज अप्लाई होता है। तो जो हिमाचल वाले रीजन के हैं वो शायद चंडीगढ़ रीजन के अंदर आते हैं, मेरे को ध्यान में नहीं है, चंडीगढ़ जम्मू इस रीजन वाइज होते हैं जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो, तो पूरे इंडिया के लिए आप आर्मी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, जेईई के लिए, तो आप अपने जोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपका पोस्टिंग होगा उसी जोन के अंदर ही होगा, ध्यान आ गई समझ में। इसके अलावा एक और पेपर है रेलवे ने 2016 में कंडक्ट करवाया था, दैट इज सीनियर सेक्शन इंजीनियर। सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पेपर 2016 के बाद हुआ ही नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई जो एसएससी है उसको हम जेईई को प्रमोट करके ही बनाएंगे, लेकिन अब उनका रूल फाइनल हो चुका है कि 1% जाएगा आपका जेईई के थ्रू प्रमोट होगा और 1% जाएगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, राइट, समझ नहीं बात, ठीक है। ये एग्जाम, अब दो पब्लिक सेक्टर के एग्जाम, एचपीसीएल का एग्जाम, एसजेपीएनएल का एग्जाम, एसजेपीएनएल का एग्जाम पैटर्न पता है किसी को? एसजेपीएनएल 100 क्वेश्चंस, अब मेरे को ध्यान नहीं है 90 मिनट से 120 मिनट से, मेरे को ध्यान नहीं है, इसमें भी वही 60% टेक्निकल 40% नॉन टेक्निकल, पर क्वेश्चन जो टाइम मिल रहा है वो ऑन एन एवरेज 1 मिनट का मिल रहा है सिर्फ। गेट ही एक ऐसा एग्जाम है जिसमें तुम्हें पर क्वेश्चन 3 मिनट का टाइम दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिफिकल्ट एग्जाम है, बिल्कुल अभी रखते थे पढ़े लिख जाएंगे अभी रोक देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। सिर्फ गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें पर क्वेश्चन 3 मिनट का टाइम दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिफिकल्ट एग्जाम है, बस उसमें आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, क्योंकि आउट ऑफ 65 क्वेश्चन मोर देन 50 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो न्यूमेरिकल होंगे। अब एसएससी जी 120 मिनट 200 क्वेश्चन दे रहा है, अब सोच के देखो 1 मिनट से भी कम का टाइम तो आपको कोई न्यूमेरिकल देगा, वो बहुत कम न्यूमेरिकल, और कटऑफ पता कितना जाता है एसएससी जी का, प्रीलिम्स का, वो दो स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स होता है फिर मेंस होता है, हार्डली 110-115 के आसपास आउट ऑफ 200 क्वेश्चन। एसएससी जी बहुत इजी एग्जाम है, बहुत याद, मतलब उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो डाटा बेस्ड याद रखने वाले क्वेश्चन है, आपके स्टेट में भी जेईई में जो क्वेश्चन आएंगे वो याद रखने वाले डाटा वाले क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल कंपैरेटिवली कम आएगा, न्यूमेरिकल ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एई एग्जाम के अंदर जिसमें बीटेक एलिजिबल है, जेईई के अंदर डिप्लोमा एलिजिबल है, सब डिफरेंस में भी आए जेईई और एई एग्जाम की तैयारी में और गेट एग्जाम की तैयारी में। लेकिन आप खुद सोच के देखो कि अगर आपके फंडामेंटल कंसेप्ट सारे क्लियर है कोई मर्जी एग्जाम दे दो इंडिया का, बिलीव मी। और एक और फैक्टर जो मैं बता रहा हूं कि जितना बच्चा गेट सॉरी अदर देन एग्जाम निकालता है ना पब्लिक सेक्टर के या जेईई के, वो मेजोरिटी वो बच्चे होते हैं जो गेट की प्रोसेस से निकले होते हैं, मोर देन 50% बच्चे वो होते हैं, और उन एग्जाम के लिए तुम एलिजिबल कब हो? एसएससी जेईई, स्टेट जेईई, आरआरबी जेईई, पब्लिक सेक्टर के अपने एग्जाम कब एलिजिबल हो उसके लिए? कब एलिजिबल होते हो? आफ्टर बीटेक। लेकिन गेट के एग्जाम तो तुम कॉलेज रहते दे सकते हो ना, दे सकते हो, दे सकते हो, कब होता है गेट का एग्जाम? हर साल फरवरी के पहले 2 वीकेंड फिक्स है गेट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, अगर मैं पर्टिकुलरली गेट के लिए बताऊं बहुत ही सिंपल है, जो कॉलेज में तुम्हारे सब्जेक्ट चल रहे हैं ना उस सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ लो, बुक से पढ़ना है नोट से नहीं पढ़ना, क्योंकि नोट की रिक्वायरमेंट आपकी कॉलेज के एग्जाम तक की है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ गेट के हाथ से, देख के नहीं, अच्छा ये है, अच्छा ये फॉर्मूला, हाँ ये तो कर लूंगा, चलो नेक्स्ट, ये नहीं करना, ऐसे नहीं, हाथ से लिख लिख के, क्योंकि गेट में न्यूमेरिकल्स में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो गलतियां तब करते हैं, यूनिट कन्वर्ट नहीं किया, कंसेप्ट ये इसको हाफ करना है आगे फॉर्मूला में यूज करने से पहले वो हाफ करना भूल गया, समझ में आ रही है बात, ये कंसेप्ट होती है। तो जो कॉलेज में तुम्हारा सब्जेक्ट चल रहा है उस सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ लो प्लस उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को ढंग से लगा लो,
इससे ज्यादा तीसरा कुछ भी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है गेट के एग्जाम के लिए। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन 10 बार लगा दिए, बिलीव मी फ्रेंड्स 40 नंबर कहीं नहीं गए तुम्हारे, मिनिमम मिनिमम। क्योंकि जब आप देखो आपने सब्जेक्ट पढ़ा, सेंटर के लिए पढ़ लिया, उसके प्रीवियस क्वेश्चन लगाए पहली बार, जब आप उसके पहले प्रीवियस क्वेश्चन लगाओगे ना, तब तुम्हें एक्चुअल में पता लगेगा कि मेरे को तैयार कैसे करना है सेंटर मटेरियल गेट के लिए। क्योंकि वो तो तुम्हें एक दूसरे पता लगेगा क्वेश्चन से कि किस टाइप का क्वेश्चन, पहले तो तुमने अपने हिसाब से सॉन्ग पढ़ लिया डन, फिर आपने प्रीवियस क्वेश्चन लगाए, फिर आपने जब प्रीवियस क्वेश्चन एक बार लगा लिए, फिर जब दोबारा से सॉन्ग को रिवाइज करोगे तो आप उन चीजों पर फोकस करोगे जिससे क्वेश्चन आता है। मेरे को टाइप ऑफ स्ट्रेस से क्या मतलब है, ठीक है, मेरे को पता होना चाहिए, समझ रहे हो। इलेक्ट्रिकल की एग्जांपल ही दे पाऊंगा, सॉरी, क्योंकि मैकेनिकल बैकग्राउंड से। तो ये चीजें होती है, तो तुम्हें पहले बार जब तुम पेपर लगाओगे तो तुम्हें एग्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि मेरे को सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। और जब तुम प्रीवियस क्वेश्चन को 10 बार लगा लोगे हाथ से, तो तुम्हें पता लग जाएगा या इस तरीके से क्वेश्चन आएगा अगली बार। बिलीव मी, तुम ये भी गेस मारोगे कि अगले क्वेश्चन कैसे आएगा, क्योंकि तुम्हें पता लग जाएगा ट्रेंड क्या है, किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जेईई का कोई मुसीर पैर नहीं है, सीरियसली बता रहा हूं, क्वेश्चन का वो कहीं से भी उठा के डाल देंगे उन्होंने। लेकिन ये एक बहुत अच्छा एग्जाम है, तो तुम्हें पता लगेगा, तुम फील हो गया, तुम तैयारी कर रहे हो अच्छे से किसी एग्जाम की, और अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे, अपनी ग्रोथ के लिए। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, इसको स्कैन करो सर, सस्टेनेबल होना चाहिए ना मॉडल, कोई भी थोड़ा सा फाइनल भी हो जाएगा, करो सर स्कैन जल्दी करो, फिर मैं तुम्हें इसका फायदा बताऊंगा, और जो तुमसे अपनी डिटेल दी है ना उसका भी तुम्हें फायदा बताऊंगा। क्या गुड, अब मैं बता रहा हूं ये प्लेटफॉर्म क्या है। अभी तक तुम्हारा फायदा बोला मैंने सारा, है ना, थोड़ा सा मैं अपना फायदा बोल लेता हूं, लेकिन उसमें भी तो अल्टीमेटली तुम्हारा ही होगा। देखो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यूरोपीडिया प्लेटफॉर्म, वो स्टार्टेड इन 2017, लेकिन एक पर्पस से स्टार्ट किया था। पर्पस ये नहीं था कि हमने तैयारी करनी है, हमने कोचिंग करनी है, इस पर्पस से हमने नहीं स्टार्ट किया। और पूरे इंडिया में यू विल फाइंड कि दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो हायर स्टडीज की बात कर रहा है, और कोई नहीं बात कर रहा। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तुम्हें ऑलमोस्ट मोर देन 100 आईटी के प्रोफेसर्स के, डायरेक्टर्स के इंटरव्यूज मिलेंगे, उनको सुनना, बच्चे जो आईटी में बैठे हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं, उनको सुनो, तुम्हें उनका विजन पता चलेगा कि वो क्या सोच रखते हैं। बात आ रही है समझ में, आईटीज के प्रोफेसर्स को सुनना, आईटीज के डायरेक्टर को सुनना, जो आईटीज में स्टूडेंट बैठे हैं उनको सुनना, तुम्हें बिलीव मी बहुत तुम्हें नॉलेज एक्वायर होगा। फिर इसमें बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं कि जो बच्चा सिलेक्ट हो जाता है उनकी स्टोरीज है। अभी रिसेंटली ये जो आपका जल शक्ति विभाग का पेपर हुआ है ना, उसमें दो स्टूडेंट हमारे सिलेक्ट हुए, कुलदीप एक लड़का है, एक रजत लड़का है, दो लड़के हैं। कुलदीप का इंट्रेक्शन इंजीनियर्स करियर पॉइंट के चैनल पे पड़ा है, मैं ईसीपी को यहाँ पे नहीं लगाता हूँ, यूआरपीडिया का लगाता हूँ। इंजीनियर्स करियर पॉइंट चैनल हमारा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़, ठीक है। उसमें आप देखना कुलदीप आपका हिमाचल का स्टूडेंट है, उसको सुनना, उसमें थंबनेल में देखना क्या पंचलाइन उसने लिखवाई है, खुद लिखवाई है। कोई एक कोई भी पर्सन इंजीनियर करियर पॉइंट का चैनल ओपन करके ना मेरे को बताओ उसमें पंचलाइन क्या लिखी है, और मैं आप लोगों मुंह से सभी को सुनाना चाहता हूं कि उसने क्या लिखवाई है। थंबनेल पे देखना, टाइटल में मत देखना, टाइटल में भी देख लेना, वो भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजीनियर्स करियर पॉइंट, क्योंकि मैं रोल मॉडल की बात कर रहा हूं ना, तो तुम्हारे लिए रोल मॉडल कोई तो होना चाहिए। उसमें वीडियोस पे जाना, इंजीनियर्स करियर पॉइंट की वीडियोस पे जाना, मेरे को लगा 4-5 दिन पहले डाला वीडियो, कुलदीप लॉस का, इसको सुनना क्या बोला इसने, मिला। नहीं मिला,
टाइटल पर डालोगे, हमने भी नीचे इतना ही लिखी हुई है। इसने बोला ये पॉइंट बोला जब उसने ना कि हिमाचल के अंदर जॉब बहुत कम है, कंपटीशन तो है ही है, उसको तो कोई शक ही नहीं है। सो दैट इज द रीजन व्हाई एवरीवन शुड गो फॉर द हायर स्टडीज, इसने बोली है बात। और ये आईटी से मास्टर्स कर रहे हैं, गेट निकाला इसने 11 से 33 जज सकती है, और शायद जनरल कैटेगरी का ही है, और 4-5 की जनरल कैटेगरी निकाल देगा। समझ में आ रही बात? अब ये जितना भी मैंने बोला ना इससे सारी चीजें लिंक्ड हैं। अब देखो इसने अपना ब्रांडिंग भी कर लिया आईटी का, स्पेशलाइजेशन भी कर ली, नौकरी भी ले लिया, सब कुछ कर लिया इसने। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग देखते हो स्टेट का जेईई का जॉब, लेकिन अगेन पॉइंट वही मैं रिपीट कर रहा हूं, नंबर कम, जॉब बहुत कम है। क्यों कम है? पॉपुलेशन कितनी है, कितने पॉपुलेशन हिमाचल की पॉपुलेशन कितनी है? हाँ, 70-80 लाख के आसपास है। पंजाब की है 3.5 करोड़। अब थिंक अबाउट कि जो ओपनिंग निकलेगा जेईई का प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा, होता ही नहीं होता प्रोपोर्शनल चीजें। ध्यान से समझना, सिस्टम समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, पता है, सिस्टम समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो अननेसेसरी बिना मतलब के थॉट्स नहीं क्रिएट करने दिमाग में। 11 वैकेंसी आई है जल शक्ति विभाग में, हिमुडा में आई है 4 वैकेंसी, सिविल की, इलेक्ट्रिक की आई है 1 वैकेंसी। असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर 2018 में पेपर कैंसल हो गया था, 18 पता नहीं 19 में, अब दोबारा से निकाली है, कितनी वैकेंसी आई है 8 एलिजिबल कर दिए, मैकेनिकल, सिविल, एनवायरमेंट, केमिकल, सारे एलिजिबल है 8 सीटें, और ब्रांचेज भी लगा दी उन्होंने सारी। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम लोग नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल भी रिलेट मत करना। इंडिया वर्ल्ड कप कब जीतेगा? 83 के बाद 2011 में जीता है, अब कब जीतेगा पता नहीं। जॉब कब निकलेगी हिमाचल में, कितनी निकलेगी क्वेश्चन मार्क पहला। मेरा निकलेगा तो निकलेगा, मेरे को नहीं पता चाहे मेरी तैयारी है चाहे नहीं है, तो मेरे पास भी और भी तो ऑप्शन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रही बात? तो मेरे पास और भी तो ऑप्शन होनी चाहिए। अब वो और ऑप्शन क्या क्या है? हायर स्टडीज, पब्लिक सेक्टर बहुत टेस्ट ले रहे हैं, SSC जेईई आ रहा है, RRB जेईई आ रहा है। अच्छा, हरियाणा में अभी 120 वैकेंसीज निकली है एई की, जिसमें 103 सिविल की है, जिसमें से 49 जनरल कैटेगरी की है, और उसमें सारे एलिजिबल हो, सिर्फ हिंदी से होनी चाहिए 10th में, आप लोग एलिजिबल हो। मैंने उसका डेडिकेटेड एक वीडियो डाला था इसका ECB के चैनल पे कि भाई हिमाचल में जॉब नहीं आती है तो बर्दो हरियाणा का 50 वैकेंसी जनरल कैटेगरी, मैं बता रहा हूं तुम्हें हिमाचल में अगले 50 साल में नहीं आ सकती इकट्ठी एक डिपार्टमेंट ही, तो वो फैक्ट ऑफ फैक्ट है, क्योंकि नीड उतने तो क्रिएट होगी ना जॉब जब इतनी नीड है, अननेसेसरी नहीं होगी क्रिएट। लेकिन अदरवाइज अगर आप नेशनल लेवल पे आ जाओ तो जितनी मर्जी जॉब ले लो, जितना मर्जी, लेकिन आपको अपने आप को कैपेबल बनाना है उसके, प्रॉब्लम जॉब भी नहीं आएगी। सिक्के तो बहुत कम आई है, मैं सोच रहा हूँ तैयारी करी है ना करूं। मेरा उसको ऐसे बच्चे को एक ही क्वेश्चन होता है कि तेरे को कितनी चाहिए? एक। तो अगर तुम कैपेबल हो, अगर तुम्हारी अच्छी है, तो तुम एक भी ले जाओगे, चाहे एक ही सीट क्यों ना हो, एक भी तो कोई ना कोई लेके जाएगा, लेके जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पॉइंट यहां पर है, मेरा ओवरऑल प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर फायर जनरेट करना कि पढ़ो यार, पढ़ के करियर बनाना बहुत ज्यादा आसान है, जॉब कर या अपना बिजनेस करने के बहुत अलग ही पैरामीटर्स हैं। जॉब लेना आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा आसान है, खास करके पब्लिक सेक्टर में, आईटी में एंटर करना बहुत ही ज्यादा आसान है, खास करके अगले 3-4 साल, और हर कोई जा सकते हो, हर कोई जा सकते हो, बहुत सीटें होती हैं, हर कोई जा सकते हो। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? अब एंड में मेरे को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ लिया आपने,
अब पूछो क्वेश्चन, देखते हैं यहां पे कितने ब्रेव है जो क्वेश्चन पूछेंगे। ये मैं काम हाँ जी बताइए। और ये मेरे को बोला कि ग्रीन से हिमाचल के लोग इतना ब्रेव नहीं है, पूछो जो तुम्हारे डाउट आ रहे दिमाग में पूछो। कुछ चीजों का पता लगा कि नहीं लगा? लगा नहीं लगा? दिमाग की पत्तियां खुली नहीं खुली? खुली करो तैयारी, करनी है तैयारी। हर कोई तैयारी करो, हर किसी के लिए बहुत कुछ है, हर किसी के लिए बहुत कुछ है। मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल पा रहा हूं, आप लोगों ने जो चैनल ओपन किया है योर पीडिया, उसमें हम लोग पूरी इंडिया को कैटर कर रहे हैं इस टाइम पे। तो इतना कॉन्फिडेंस से मैं इसी कारण से बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है सारे स्टेट्स, ये सारे आईटी में मास्टर्स में जितना बच्चा जाता है 80-90% वो योर पीडिया से ही जाता है, उसी के थ्रू जाता है, चाहे वो पेड सर्विस हो चाहे वो फ्री सर्विस के थ्रू। तो इसी कारण से मैं इतना कॉन्फिडेंस से तुम्हें बोल पा रहा हूं, और इस चैनल को रिगरसली फॉलो करना एटलीस्ट अगले एक साल के लिए, क्योंकि तुम्हें वो अपॉर्चुनिटीज का पता लगेगा जो तुम्हारे लिए अगले साल आने वाली है। अभी गेट का एग्जाम हो, पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग चल रहे हैं, ध्यान से देखना इसको, फॉलो करना तो ढंग से करना, नहीं तो अभी क्लासरूम से बाहर निकलने से पहले अनसब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा कर लिया चाहते, नहीं तो मुझसे यार क्वेश्चन अदरवाइज नहीं होगा, पीपल के बिना नहीं होगा, राइट। चलो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।